चलते हैं फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में वी हैव डन अप टिल पेज नंबर 5। फ्रेंड्स पेज नंबर 6 पे सेक्शन 35AD। सबसे पहले पुराना सेक्शन रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एज इट इज रिप्रोड्यूस किया हुआ जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था। मेरे ख्याल से आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किए थे। ऐसा कोई सेंटर जिसके पास अमेंडमेंट नोट्स नहीं है। लैपटॉप प्लीज। बेनिफिट क्या दिया हुआ था देखो ध्यान से। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन एक्सेट्रा, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये सब कुछ। और यहां पर क्या लिखा हुआ था, डिडक्शन 100% और 150% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर के दौरान कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा इनकर किया है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज करी, उसके पूरे 100% को बिजनेस एक्सपेंस मान लेंगे, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस में इफ यू रिमेंबर 150% का बेनिफिट दिया हुआ था। ये टोटल 5 बिजनेस थे जहां पर बेनिफिट कितना 150% का, बाकी सारे बिजनेसेस में कितना था 100%। और क्या बेनिफिट था कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसे टोटल क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। इवन बिजनेस कमेंस करने से पहले भी अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया है तो उसे भी बिजनेस एक्सपेंस मान लेंगे। किस साल का, जिस साल आपने बिजनेस कमेंस किया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल नॉट इंक्लूड लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा हमने छोटे मोटे प्रोविजंस डिस्कस किए थे। बिजनेस नया होना चाहिए, पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करोगे। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 ध्यान से रिकॉल करेंगे। Actual cost of the asset for which deduction has been allowed under section 35AD shall be taken as nil. ऐसा कोई भी asset जिसके लिए आपको section 35AD में deduction मिल चुकी है, उसकी income tax purposes से actual cost कितनी मान के चलेंगे, zero मान के चलेंगे। And that is very logical friends. क्यों zero? क्योंकि जितने रुपए की आपने वो plant and machinery या furniture purchase किया था, उसे already business expense में count किया जा चुका है। अगर उसकी कॉस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा तो आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा कोई भी असेट जिसको आपने 35AD के बेनिफिट के लिए यूज कर चुके हो, उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, जीरो। फिर हमने डिस्कस किया था, फर्दर रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ दीज असेट्स शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड PGBP ओनली व्हाट एवर द अमाउंट मे बी। कल को अगर इस पर्टिकुलर असेट को मैं मार्केट में बेचता हूं, चाहे 2 रुपए में, चाहे 2 करोड़ में, चाहे 20 करोड़ में, पूरा का पूरा अमाउंट बिजनेस इनकम माना जाएगा, कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल कोलकाता सेंटर, अगर आपने वेयरहाउस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है तो बिल्डिंग का सारा खर्चा यहां पर बिजनेस एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा, उस पर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। और उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, जीरो। और कल को उसे मार्केट में बेचोगे तो जितने रुपए मिलेंगे सारे के सारे कौन से हेड में टैक्सेबल, PGBP हेड। फ्रेंड्स प्रोविजंस को लिखते हैं यहां पर व्हाइट बोर्ड प्लीज। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपने परचेज की प्लांट एंड मशीनरी ₹100, सेक्शन 35AD में कितनी डिडक्शन मिलेगी, ₹100। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, नील। अब आपने इस पर्टिकुलर असेट को मार्केट में सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल ₹20, तो फ्रेंड्स PGBP हेड में कितना टैक्सेबल होगा, 20, और कैपिटल गेन्स हेड में कितना, नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने इसे बेच दिया ₹110, तो पूरा ₹110 कहां पर, PGBP, और कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होगा। निर्माण सेंटर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंपली मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, क्या उसका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना है, नो। तो फ्रेंड्स दिस इज द प्रोविजन, और ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने पर्टिकुलर असेट को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बाय वे ऑफ सेल। फ्रेंड दिस इज द प्रोविजन व्हाट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द क्लासेस।
अगर यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो वो पूछो। फिर चलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट्स क्या आई और इस सेक्शन के साथ मार्क कर लो। अगर इस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन में मिक्स होकर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आईपीसीसी लेवल पर अगर सेक्शन 35 एडी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो दैट विल बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इन एनी केस बड़े क्वेश्चन में मिक्स नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो अमेंडमेंट्स भी है फ्रेंड्स, उस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही पॉसिबल है, ये मान के चलना कि बड़े क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनेगा। एनी डाउट और क्वेरी फ्रेंड्स, अगर यहां तक कंफर्टेबल हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स। मॉर्निंग एक्सरसाइज पीटी हो गया, थोड़ी सी क्या होता था, अटेंशन सेनेटीज, याद आ रहा है कुछ? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहां पर अमेंडमेंट्स क्या क्या करी। लैपटॉप प्लीज। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो कितने बिजनेस थे यहां पर स्पेसिफाइड, 12 बिजनेसेस वर देयर। ध्यान से देखो कौन कौन से रिकॉल करते हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन, होटल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्टार, हॉस्पिटल हैविंग कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 100 बेड्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इनलैंड कंटेनर डिपो, बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। फ्रेंड्स, अभी तक टोटल 12 बिजनेस थे, बजट 2014 से 2 नए बिजनेस और ऐड कर दिए जिनको 35 एडी का बेनिफिट दे दिया गया। 2 बिजनेस कौन कौन से, स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर मेरे ख्याल से सबको पता होगा फ्रेंड्स, लिक्विड आयरन जो होता है जिससे कुछ कास्टिंग की वगैरह की जा सकती है। तो कहते हैं आयरन ओर जो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉट 100% लिक्विड, काइंड ऑफ सेमी लिक्विड, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस थोड़े से डिफरेंट तरीके की होती है, एंड दैट इज कॉल्ड स्लरी पाइपलाइन। तो अगर आपका बिजनेस किस चीज का है, उस पाइपलाइन को क्या करना, बनाना, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट करना और उसके बाद ऑपरेट करना। आपका बिजनेस आयरन ओर का है या नहीं मैटर नहीं कर रहा, यू आर जस्ट क्रिएटिंग स्लरी पाइपलाइन। और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह जो आयरन ओर चाहते हैं या आयरन ओर बनाते हैं, वो आपकी पाइपलाइन की फैसिलिटीज अवेल करेंगे। इट्स सिमिलरली लाइक क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन और क्रॉस कंट्री क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। तो फ्रेंड्स, वहां पर भी आप पाइपलाइन का बिजनेस कर रहे थे, यहां पर भी किस चीज का बिजनेस है, पाइपलाइन का। डिफरेंस देखना, यहां पर वर्ड लिखा हुआ था क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री मीन्स वर्ड बिटवीन टू कंट्रीज, बट स्लरी पाइपलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। और फ्रेंड्स, इतने लंबे किलोमीटर्स की स्लरी पाइपलाइन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आयरन और वहां से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा तो पता चला यहां तक आते आते अपने आप में हार्ड आयरन में कन्वर्ट हो गया। तो स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, और बजट 2014 से आया तो डेट कब से डाल दी, 1 अप्रैल 2014। अगर ये पर्टिकुलर बिजनेस इस तारीख या इसके बाद स्टार्ट किया है तो 35 एडी अप्लाई होगा, उस केस में सेक्शन 32 डेप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिजनेस इस दिन स्टार्ट होना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा हमने वहां पे डिटेल एनालिसिस किए थे, अगर सिमिलर नेचर का पुराना बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए आज भी सेक्शन 32 ही अप्लाई होगा, 35 एडी नहीं लगेगा। सेक्शन 35 एडी इज फोर एवर, पहले साल में जितना कैपिटल नेचर का खर्चा सारा बिजनेस एक्सपेंस, अगले साल भी जितना कैपिटल नेचर का खर्चा वो भी बिजनेस एक्सपेंस। आगे देखो, सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोटिफाइड। नोटिफाइड का मतलब गवर्नमेंट। फ्रेंड, दिस इज समथिंग लाइक सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पूरा मेरे को भी आइडिया नहीं है अपने आप में बिजनेस किस चीज का होता है, ऐसा कभी हमारे कोई क्लाइंट नहीं मिला। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप मान सकते हो सेमी कंडक्टर वेफर, उनको अगर बनाने का बिजनेस है तो दैट बिजनेस विल बी कवर्ड अप हियर। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या कहा कि 100% आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये पॉइंट वाला पॉइंट देखो तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपका रेक्टिफिकेशन वाला है कि 2 नए बिजनेस इन्होंने यहां पर ऐड कर दिए, स्लरी पाइपलाइन और दूसरा कौन सा, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगली अमेंडमेंट ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दिस वन, इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है 3 or 4 marks, वो रेक्टिफिकेशन है, बट दिस इज टेक्निकल पॉइंट। व्हाइट बोर्ड प्लीज।
फ्रेंड्स सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या थी जिसके कारण ये अमेंडमेंट करनी पड़ी। कुड हैव व्हाइट बोर्ड। हमने यहां पर फ्रेंड्स देखा था, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 100 रुपए की, सेक्शन 35AD में डिडक्शन मिल गई 100 रुपए की, एक्चुअल कॉस्ट कितनी? जीरो। अगर इसे बेचोगे तो बेचने के कारण जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल। अब लोगों ने गड़बड़ करनी स्टार्ट करी। कैसे गड़बड़ करनी स्टार्ट करी, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल 10th of July 2013 एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 100 रुपए की। एसएससी के दो बिजनेस थे, एक बिजनेस जो 35AD में कवर्ड अप है और दूसरा बिजनेस जो 35AD में कवर्ड अप नहीं है। पॉसिबल है? एक ही एसएससी के दो बिजनेस थे, पहला बिजनेस 35AD में कवर्ड अप है, दूसरा बिजनेस 35AD में कवर्ड अप नहीं है। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी यहां यूज करूंगा तो क्या होगा? डिडक्शन ऑफ 100%। बट अगर ये प्लांट एंड मशीनरी यहां यूज करूंगा तो क्या कैलकुलेट होगा? डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32। ये पॉइंट सबको समझ में आता होगा फ्रेंड्स। अगर इस बिजनेस में यूज करूंगा तो 100% डिडक्शन, और 35AD वाला बिजनेस नहीं है तो डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32। अगर एसएससी को ऑप्शन दिया जाए कि या तो 32 फॉलो करो या 35AD फॉलो करो, तो क्या लगता है एसएससी कौन सा सेक्शन फॉलो करना चाहेगा? विच वन इज बेनिफिशियल फॉर एन एसएससी? क्या 35AD के कारण बेनिफिट ज्यादा है या डेप्रिशिएशन क्लेम करने में बेनिफिट ज्यादा है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सेक्शन 35AD। रीजन बीइंग यहां पर पूरा 100% एक साथ क्या बन जाएगा? बिजनेस एक्सपेंस। बट अगर 32 में जाओगे तो ये 100 रुपए बिजनेस एक्सपेंस कैसे बनेगा? ओवर द ईयर्स, धीरे धीरे। मान लो इस प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिशिएशन रेट, तो पहले साल का एक्सपेंस 15 रुपए, अगले साल का एक्सपेंस थोड़ा सा और कम, ऐसे करते 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 पता चला 15 सालों में जाके 100 रुपए क्या बनेगा? बिजनेस एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, एसएससी हमेशा क्या फॉलो करना चाहेगा? 35AD। फ्रेंड्स माइक्रो लेवल पे बेनिफिट है, मैक्रो लेवल पे नहीं है, क्योंकि मैक्रो लेवल पे यहां पर भी 100 रुपए बिजनेस एक्सपेंस है, मैक्रो लेवल पर यहां पर भी 100 रुपए बिजनेस एक्सपेंस है। बट माइक्रो लेवल पे देखें तो 35AD इज मच मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू सेक्शन 32। तो एसएससी ने सोचा कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे ये वाला बेनिफिट भी मिल जाए और फिर भी ये प्लांट एंड मशीनरी यहां यूज हो जाए। ध्यान से समझो एसएससी ने क्या किया। एसएससी ने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि 100 रुपए एक्सपेंस बन जाए इस बिजनेस के तहत, और बाद में ये प्लांट एंड मशीनरी किसी भी प्रकार से इस बिजनेस में चली जाए, क्या फायदा होगा? 100 रुपए बिजनेस एक्सपेंस भी बन गया, मगर फिर भी 35AD वाले बिजनेस के लिए यूज नहीं किया। गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट सिर्फ इसीलिए दिया था कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस कैरी ऑन करो, और ये बिजनेस कहीं ना कहीं कंट्री की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप इन असेट्स का बेनिफिट तो यहां ले लो, बट यूज करो इन बिजनेस के लिए, तो क्या गवर्नमेंट का पर्पस फुलफिल हुआ? नो। ध्यान से देखो लोगों ने गड़बड़ क्या करी। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 10 जुलाई 2013 को 100 रुपए में। इस प्लांट एंड मशीनरी को प्रीवियस ईयर 13-14 में तो यहां यूज किया और डिडक्शन ले ली 35AD में कितनी? पूरी 100 रुपए की। पूरी कितनी? 100 रुपए की। प्रीवियस ईयर 14-15 में इस प्लांट एंड मशीनरी को यहां से निकाला और यहां ले गया और यहां यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां यूज करना स्टार्ट करेगा तो फ्रेंड्स इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? ऑलरेडी हमने पढ़ा कितना? निल। एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? निल। कैमरा एडजस्ट करें। डेप्रिशिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? ऑन निल। ये ब्लॉक ऑफ असेट्स का पार्ट तो बनेगा, मगर इस पे डेप्रिशिएशन कितने पे कैलकुलेट होगा? निल पे। अल्टीमेटली एसएससी ने क्या किया, इस प्लांट एंड मशीनरी को ऐसे बिजनेस के लिए यूज किया जो 35AD में कवर्ड अप नहीं है, फिर भी उसका 100% बिजनेस एक्सपेंस के रूप में क्लेम कर लिया। ऑब्जेक्शन ये आया, ये वाला जो हमने प्रोविजन पढ़ा था क्या ये यहां अप्लाई होगा? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स,
ये प्रोविजन कब अप्लाई होता है? जब आपने असेट की सेल करी। बट जब यहां पर एक बिजनेस से निकाल के दूसरे बिजनेस में असेट लेके जा रहे हो तो फ्रेंड्स ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। जब ये सेल नहीं है तो ये वाला प्रोविजन तो अप्लाई होगा नहीं और एसएससी गड़बड़ कर गया। ऑल्दो ये प्लांट एंड मशीनरी एक नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, फिर भी उसने 100% बिजनेस एक्सपेंस एक ही साल में क्लेम कर लिया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कैसे एक एक वर्ड पे फोकस होता है? फ्रेंड्स उसने पहले साल ये असेट यहां यूज किया और 35 एडी में डिडक्शन क्लेम कर ली। अगले साल इस प्लांट मशीनरी को यहां से विड्रॉ करा और इस बिजनेस में ले गया। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आया हुआ कार, मैंने एक कार परचेज करी, पहले कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी या इन बिजनेस के लिए यूज करी और अगले महीने नॉर्मल बिजनेस में ले गया। तो मैं तो यही कहूंगा जी आपने कहा था 35 एडी के लिए लेके आना असेट, मैं तो 35 एडी के लिए लाया था, बाद में मेरा असेट मैं कुछ भी करूं, जब किसी प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूं तो मेरी मर्जी मैं क्या करूं, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड सबसे पहले अगर गड़बड़ समझ में आ गई तो प्रोविजन विद इन अ सेकंड समझ में आ जाएगा आपको। इन टेक्निकल लाइफ वी से मिसचीफ, इसको नाम क्या देते हैं फ्रेंड्स? मिसचीफ का मतलब ऐसी लकुना, ऐसी गड़बड़ जिसका लोग फायदा उठा रहे थे, और इन मिसचीफ्स को प्लग करने के लिए अमेंडमेंट्स करी जाती है। देखो फ्रेंड्स ध्यान से लैपटॉप प्लीज, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स अमेंडमेंट क्या है दिस प्रोविजन पर्टिकुलर। इफ सच असेट इज बीइंग यूज्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पसेस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, फिर ध्यान से वर्ड्स पे स्ट्रेस देना यूज, अगर एसेट को यूज किया किसी नॉर्मल बिजनेस के लिए स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा, इन दैट केस डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 एडी इन एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द पीरियड एज पर सेक्शन 32 शेल बी डीम्ड टू बी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज सो यूज्ड। क्या कह रहे हैं? व्हाइट बोर्ड वापिस। अगर एक पर्टिकुलर असेट को 35 एडी वाले बिजनेस में यूज करने के बाद अगर नॉर्मल बिजनेस में ले गए तो इस असेट के कारण जितनी डिडक्शन मिली थी उसको वापस इनकम मान लेंगे। 100 रुपए को वापस क्या मानेंगे? इनकम। मगर तब डिपार्टमेंट के दिमाग में आया कि अगर हम इसको ये 100 रुपए की डिडक्शन नहीं देते तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो मिलती ना लास्ट ईयर में, तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करना, अगर आपने इस असेट को 35 एडी में यूज करके अगर नॉर्मल बिजनेस में ले गए तो जितनी डिडक्शन मिली थी उसमें से उतने सालों का डेप्रिसिएशन लेस कर दो जितने साल ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और बचे हुए अमाउंट को इस साल की इस बिजनेस के लिए क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डिडक्शन क्लेम करी 100 रुपए, अब इसको ले गया मैं प्रीवियस ईयर 14-15 में नॉर्मल बिजनेस में। अगर ये डिडक्शन नहीं होती तो क्या होता? अगर ये डिडक्शन नहीं होती तो 13-14 में डेप्रिसिएशन रहा होता कितना? 15 रुपए। मेरे ख्याल से ये निकालना सबको आता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट। तो इतनी डिडक्शन तो मिलनी चाहिए थी ना, अगर 35 एडी नहीं होता तो लास्ट ईयर में 15 रुपए की डिडक्शन मिलती, बट उसने डिडक्शन क्लेम कर ली 100 रुपए। तो इन्होंने कहा कि अगले साल क्या करना, इस बिजनेस में प्रीवियस ईयर 14-15 में पीजीबीपी हेड में इनकम मान लेना कितनी? 85 रुपीज। किस बिजनेस की? जिस बिजनेस में 100 रुपए की डिडक्शन क्लेम करी थी। ये पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें कोई भी डाउट और क्वेरी ये पूछो, अगर गड़बड़ समझ में आ गई तो फ्रेंड्स प्रोविजन मेरे ख्याल से आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स कोई भी अमेंडमेंट आती है तो हम उसके पीछे ये कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अमेंडमेंट क्यों करी गई, और अगर कारण मिल जाए ना तो फ्रेंड्स अमेंडमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आती है। थैंक यू निर्माण्या सेंटर फॉर द अपडेशन। निर्माण्या सेंटर ने कहा वेफर फैब्रिकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स लाइक एलईडी सीपीयू एक्सेट्रा। थैंक यू निर्माण्या, मोबाइल लेके बैठ रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो बैठ के, बट दैट्स गुड। चल सकते हैं आगे फ्रेंड्स। निर्माण्या सेंटर, अब देखो गूगल पे जाओगे तो यही होगा, प्रोविजन छूट जाएगा। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आओ जरा।
फिर बाकी चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। लैपटॉप प्लीज। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन, दिस वन पेज नंबर 7। एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग टू यूनिट्स। एक कंपनी है जिसकी दो यूनिट्स हैं। यूनिट ए कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। यूनिट ए का बिजनेस क्या है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। यूनिट बी कैरीज ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। और यूनिट बी में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वेयर हाउसिंग का, बट वहां पर एडिबल ऑयल स्टोर किया जाता है। यूनिट ए कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन 1st of April 2013 एंड इट क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹100 lakhs इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ टू बिल्डिंग्स फॉर 50 lakhs ईच फॉर ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। उसने दो बिल्डिंग खरीदी, दोनों की कॉस्ट ₹50 lakh थी और दोनों की दोनों बिल्डिंग उसने शुगर फैसिलिटी, शुगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए यूज करनी स्टार्ट करी अंडर सेक्शन 35AD फॉर असेसमेंट ईयर 14-15। हाउएवर इन Feb 15, मगर फरवरी 15 में क्या किया? यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग्स टू यूनिट बी। यूनिट ए की एक बिल्डिंग यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी गई। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के हाथ में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, दैट वी हैव टू डिस्कस। व्हाइट बोर्ड प्लीज। देखो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। असेसी कौन? एबीसी लिमिटेड। और फ्रेंड्स इसके दो बिजनेस हैं, यूनिट ए एंड यूनिट बी, और हम दोनों साल के लिए दोनों का ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रीवियस ईयर 2013-14। प्रीवियस ईयर 2013-14 में यूनिट ए का बिजनेस कमेंस हुआ जिसके लिए दो बिल्डिंग खरीदी 50 lakhs ईच, और यूनिट ए इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड दिस पर्टिकुलर इज कवर्ड अप अंडर सेक्शन 35AD। बट यहां पर 35AD अप्लाई नहीं होगा, यहां सेक्शन 32 अप्लाई होगा और यहां 32 अप्लाई नहीं है। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब दो बिल्डिंग्स परचेज करी 1 अप्रैल 2013 को, दो 50 lakh ईच। क्या हुआ होगा? सेक्शन 35AD में बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा कितना? ₹100 lakhs। बिजनेस कितना माना जाएगा? बिजनेस एक्सपेंस ₹16 lakh। क्या यूनिट बी में कुछ होगा? नो ट्रीटमेंट। दिस इज प्रीवियस ईयर 13-14। यहां तक कोई डाउट और क्वेरी फ्रेंड्स? इसको बिजनेस एक्सपेंस मान लिया कितना? ₹16 lakh। यूनिट बी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लखनऊ सेंटर 150% इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिस इज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। इफ इट वुड हैव बीन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैन इट शुड बी 150%। ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर है। इज दैट क्लियर लखनऊ सेंटर? आओ फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर 14-15 में क्या हुआ? Feb 15 को एक बिल्डिंग यहां से लेके यहां चले गए, यहां से लेके यहां चले गए। अब देखा जाए तो असेसी ने पूरे ₹50 lakh बिजनेस एक्सपेंस में काउंट कर लिया, बट क्या एक्चुअली अब वो बिल्डिंग शुगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए यूज कर रहा है? नो, ही इज यूजिंग दैट बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल बिजनेस। क्या उसे पूरे ₹50 lakh एक्सपेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए था? नॉट एट ऑल। इन्होंने क्या प्रोविजन बनाया, क्या कहा? Feb 15 में यूनिट ए ने क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD कितनी थी? 50 lakh लेस डेप्रिशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 13-14। फ्रेंड्स अगर ये सिंस बिगनिंग सेक्शन 32 में कवर्ड अप होती तो डेप्रिशिएशन कितना होता? तो 13-14 का एक बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन देखूं तो कितना होता? एट द रेट 10%, दैट इज 5 lakh। क्या प्रीवियस ईयर 14-15 का भी डेप्रिशिएशन होगा? नो, क्योंकि फरवरी 15 को ट्रांसफर कर दिया।
अगर ये ट्रांसफर किया होता 31 मार्च 15 के बाद तो 14-15 का भी हम यहां पे डेप्रिसिएशन लेस करते। कितना रहेगा फ्रेंड्स? 45 लाख। दिस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। ये 45 लाख रुपए पीजीबीपी हेड की क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। अब समझ में आया निर्माणगढ़ सेंटर? इज दैट क्लियर? ये बताओ तो टैक्स इंप्लीकेशंस देखूं तो सिंपली क्या आएगी, एबीसी लिमिटेड के लिए प्रीवियस ईयर 14-15 के अंदर 45 लाख रुपए बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। आओ फ्रेंड्स अब बाकी अमेंडमेंट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। अब देखना इसका एनालिसिस काइंड ऑफ। फ्रेंड्स अगर एक्ट में देखो तो यहीं तक का प्रोविजन लिखा, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। लखनऊ सेंटर से बहुत ही बढ़िया क्वेरी आई। लखनऊ सेंटर ने कहा कि सर अगर ये 100% की जगह 150% वाला बिजनेस होता तो क्या होता? फ्रेंड्स सेम ट्रीटमेंट, अगर ये 150% वाला बिजनेस होता तो यहां डिडक्शन कितनी होती? 150 लाख। यहां क्या करते हो आप? 75 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 70 लाख। क्लियर हुआ लखनऊ सेंटर आप जो पूछना चाह रहे हो? लखनऊ सेंटर पहले आप बताएं, नॉर्थ कैंपस और सुंदर विहार, आई एम कमिंग बैक, नो इश्यूज। लखनऊ सेंटर इज दैट क्लियर? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, डेप्रिशिएशन 50 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। सिंपल सा लॉजिक, अगर सेक्शन 32 में असेट कवर्ड अप होता तो कितना डेप्रिशिएशन होता? तो फ्रेंड्स वहां तो एक्चुअल कॉस्ट 50 लाख ही मानी जाती ना, तो 50 लाख का 10% आपको पता है बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन 10%, तो 5 लाख रुपए आता वो हमने लेस कर दिया, बाकी 70 लाख रुपए इनकम आए। फ्रेंड्स इसको सिंपली ऐसा कंपेयर करो, ये है तो क्या हुआ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 35 एडी है तो 75 लाख की डिडक्शन मिली, सेक्शन 32 होता तो 5 लाख की डिडक्शन मिलती, तो बाकी 70 लाख को क्या मानेंगे? इनकम। सिंपल सा पॉइंट, तो दैट्स द पॉइंट। फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो जाता साथ में, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये असेट ऐसा हो, ये तो बिल्डिंग है चलो, इट इज क्वाइट पॉसिबल इट कुड बी प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी होती तो फ्रेंड्स यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता, तो फ्रेंड्स एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा और वो यहां से क्या होगा? लेस। कहने का मतलब सिंपली, अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसके लिए सेक्शन 32 लगाते तो क्या होता? तो सारे प्रोविजन 32 के हिसाब से लगेंगे, तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहां से एडजस्ट होता। अब चलते हैं क्वेरी सुंदर विहार सेंटर, आपकी सेकंड क्वेरी पे बाद में आऊंगा, आप सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस ने कहा कि सर असेट एक साल के लिए भी यूज नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन कैसे? फ्रेंड्स तारीख ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर 13-14, 1 अप्रैल 2013 एंड दिस इज 5-15। नॉर्थ कैंपस सेंटर आप डेट्स को नहीं देख पा रहे हो ध्यान से, असेट यूज हुआ है, बिल्डिंग हैज बीन यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 13 टू 15, इट्स मोर देन अ ईयर। और फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 निकालना है, तो एज पर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन देखो, अगर आप कोई असेट 1 अप्रैल 2013 को खरीदते हो तो क्या होता है? प्रीवियस ईयर 13-14। क्या प्रीवियस ईयर 14-15 में डेप्रिसिएशन होगा? नो, क्योंकि फरवरी 15 को असेट ट्रांसफर कर दिया। जिस साल असेट ट्रांसफर करते हो आपको पता है उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, तो यहां पे सिर्फ 13-14 का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 14-15 का कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मान लो ये असेट ट्रांसफर किया होता अप्रैल 15 में तो क्या होता? 50 लाख माइनस 13-14 का 5 लाख माइनस 14-15 का 4.5 लाख, दिस विल बी 40.5 लाख प्रीवियस ईयर 15-16। यूनिट बी के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा थोड़ी देर में देखेंगे, सबसे पहले यूनिट ए का ट्रीटमेंट बताओ अगर कोई डाउट और क्वेरी। कोलकाता सेंटर 40 लाख नहीं होगा क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं होता।
फ्रेंड्स यूनिट ए के लिए अगर कोई भी डाउट और क्वेरी तो पूछो, यूनिट ए का मैटर क्लियर है। चलते हैं यूनिट बी के लिए। यूनिट बी प्रीवियस ईयर 14-15 फेब 15 में एक असेट आया जो यूज हो रहा है बिजनेस पर्पज से, इसका मतलब सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। फ्रेंड्स होना चाहिए, बट सबसे बड़ी बात क्या है, और होना भी चाहिए तो चलो कितने पे। फ्रेंड्स यहां पे अब अल्टीमेटली क्या हुआ, 50 लाख का असेट खरीदा, उसमें से 5 लाख की डिडक्शन मिल गई, बाकी 45 लाख आइडली यहां पर क्या बननी चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट। लॉजिकली क्या होना चाहिए, यहां पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जानी चाहिए, 45 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। लॉजिकली यही बनता है। फ्रेंड्स उसने देखा जाए तो 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी, 50 लाख में से ओवर द इयर्स एक्सपेंस देखूं तो कितना बना है, 5 लाख, बाकी 45 लाख उसकी जेब से गया है, तो आइडली वो 45 लाख में यूनिट बी के लिए डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बट फ्रेंड्स जब ये अमेंडमेंट करी गई तो इसके साथ इन्होंने कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं करी एक्चुअल कॉस्ट का। फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन आधे रेट पे पूरे रेट पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्चुअल कॉस्ट का प्रोविजन अभी भी वही, एक्चुअल कॉस्ट के प्रोविजन में अभी भी क्या लिखा है, 35 एडी वाले असेट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानेंगे, निल मानेंगे। फ्रेंड्स अपने आप में बड़ा खतरनाक प्रोविजन बन गया है देखा जाए तो। इन्होंने अमेंडमेंट तो करी सिर्फ यूनिट ए के लिए, यूनिट बी के लिए कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं करी। हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोविजन था जो आपको पहले भी मैंने आज पढ़ाया कि अगर 35 एडी में किसी असेट की डिडक्शन मिल गई तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानेंगे, जीरो, और जीरो मानने का मतलब ब्लॉक ऑफ असेट्स में जीरो वैल्यू जुड़ेगी और जीरो पे ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब असेसी ने अगर यूनिट ए से इस बिल्डिंग को निकाल के अगर यूनिट बी में ले गया तो असेसी का 45 लाख रुपए का नुकसान है। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस जानबूझ के भी बनाता है। प्रोविजंस बनाने के पीछे इंटेंशन ये नहीं होती कि टैक्स बढ़ाना है, प्रोविजंस बनाने के पीछे इंटेंशन ये होती कि असेसी ऐसे काम ना करें। अब क्या आपको लगता है असेसी कभी भी एक असेट को यहां से विड्रॉ करके दूसरे बिजनेस में लेके जाएगा, कभी भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसका कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो 45 लाख का क्या है, नुकसान है। देखो मैंने इस चीज को लिख भी दिया, लैपटॉप प्लीज, पेज नंबर 7 के ऑन द वेरी टॉप देखो, व्हाट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर अदर पर्पजेस, व्हाट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर अदर पर्पजेस। फ्रेंड्स दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन द लॉ, देयरफॉर एक्चुअल कॉस्ट शैल बी निल फॉर अदर पर्पजेस, लॉजिकली इट शुड हैव बीन डेप्रिशिएटेड वैल्यू कंसिडर्ड अबव। लॉजिकली ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू वहां एक्चुअल कॉस्ट बननी चाहिए थी, बट इन्होंने अमेंडमेंट नहीं करी। फ्रेंड्स अगर लॉ में लिख दिया x इक्वल्स टू y, याद आ रही होगी मेरी स्टेटमेंट, तो फ्रेंड्स हमें x और y को बराबर मानना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। और लॉ में क्लियर कट प्रोविजन लिखा हुआ है किसी भी असेट के लिए अगर सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन मिल गई तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को निल माना जाएगा। और फ्रेंड्स वी हैव टू फॉलो दैट प्रोविजन, तो उस हिसाब से देखें तो यहां पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, निल, बट लॉजिकली इट शुड हैव बीन 45 लाख। देखो इसका एनालिसिस भी कर दिया, सिचुएशन दो सिचुएशन बनती है फ्रेंड्स, अब या तो असेट को बेचा या यूज फॉर एनी अदर पर्पस। ध्यान से देखो दो सिचुएशन मैंने बनाई, सेल और यूज फॉर एनी अदर पर्पस। सिचुएशन टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, क्या होगा फ्रेंड्स अगर सेल टैक्सेबल है, पीजीबी में क्या टैक्सेबल होगा, सेल प्राइस। अगर किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो क्या होगा, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 एडी लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन डीमिंग बेसिस। अगर आपने असेट को बेचा तो जितने में बेचा वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल, अगर असेट को किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो 35 एडी की डिडक्शन में से डेप्रिसिएशन लेस कर देना और बचा हुआ पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल। एक्चुअल कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट यूज,
अगर मैंने अपना 35 AD वाला असेट आपको बेच दिया 20 रुपए में, तो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 20 रुपए। एंड दैट इज वेरी लॉजिकल, जितने रुपए में आपने खरीदा उतने पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बट अगर किसी और पर्पज के लिए यूज किया तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी? निल। लॉजिकली इट शुड बी डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बट लॉजिकली डेप्रिशिएटेड वैल्यू होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज वाज द इंटरप्रिटेशन। एक एक प्रोविजन को ध्यान से देखना पड़ता है, एंड देन वी गेट द थिंग्स। अब छोटा सा इसका पार्ट रह गया, देखो यहां पर क्या लिखा, दिस पॉइंट, यहां पर ध्यान से, दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ सच एसेट इज पुट टू यूज फॉर अदर पर्पज इन 8 years कमेंसिंग विद द ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड। बट ये अमेंडमेंट तभी अप्लाई होगी अगर इस असेट को अगले 8 साल के अंदर किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज किया। अगर उस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर 8 साल तक असेट को रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दूसरे बिजनेस में ले जाओ। फ्रेंड्स, 8 साल में देखें तो कोई भी असेट ले लो, उसके वियर एंड टियर के बाद मार्केट वैल्यू बहुत ही कम रह जाती है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस आएगा, डिपार्टमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, परचेजर का लॉस कहां है? फ्रेंड्स, सेल के केस में, व्हाइट बोर्ड प्लीज, सेल के केस में 2 SSC होंगे, ए एंड बी। बट अगर अदर पर्पज है, एसएससी कौन कितने होंगे यहां पर? 2। बट अगर अदर पर्पज है तो एसएससी एक ही होगा फ्रेंड्स, तो यहां पर कोई लॉस नहीं है। मान लो 100 रुपए का असेट खरीदा, सेल करा 20 रुपए में, तो ये डिडक्शन, ये इनकम, और फिर 20 रुपए यहां क्या बन गई? एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पर ना तो किसी का फायदा है ना किसी का नुकसान है। बट यहां पे अगर 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए डिडक्शन, फिर यहां ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस डेप्रिसिएशन बाकी इनकम मान लेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी? निल। इज दैट क्लियर? हाजरा कोलकाता सेंटर, जो आप पूछना चाह रहे हो, ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस। सेल के केस में 2 parties इन्वॉल्व है, बट अदर पर्पज के केस में सिर्फ 1 ही पार्टी है। तो बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, ये प्रोविजन इसलिए कि लोग ऐसा काम ना करें। दैट्स द थिंग। फ्रेंड्स, सेक्शन 35AD में कोई भी डाउट और क्वेरी? एनी डाउट और क्वेरी इन सेक्शन 35AD? अब होता ही है फ्रेंड्स, लोगों ने इस तरीके की गड़बड़ करी होगी, गड़बड़ करी तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया। अब जिन्होंने गड़बड़ करी उनके लिए प्रोविजन बना दिया, चलो समझ में आता है। बट अगर किसी की जेन्युइन नेसेसिटी होगी कि एक बिजनेस से अपने असेट को निकाल के दूसरे बिजनेस में लेके जाए, बेचारा वो मर गया, तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, गेहूं के साथ धुन भी पिसती है। दैट हैपन्स एक्चुअली, गड़बड़ करता है कोई और, मरता है कोई और। फ्रेंड्स, अदर पर्पज में लॉस इसलिए हुआ कि 50 रुपए का असेट खरीदा, डिडक्शन 50 मिली, 45 रुपए वापस इनकम मान ली, तो मेरी जेब से 50 रुपए गए, बट अल्टीमेटली आई गॉट डिडक्शन ऑफ ₹5। बाकी 45 की डिडक्शन अदर पर्पज में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। लखनऊ सेंटर, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सुंदर विहार ने कहा, हाँ तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, सेल कर दो फिर परचेज कर लो दोबारा। सुंदर विहार सेंटर चेक करके देखना, सेल करके परचेज करोगे, गड़बड़ पॉसिबल नहीं है। गड़बड़ का मतलब आप टैक्स बेनिफिट ले जाओ, अगर सेल करके परचेज करोगे टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लखनऊ सेंटर ने कहा, सेल का केस दोबारा से। फ्रेंड्स, ए ने प्रीवियस ईयर 13-14 में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 100 रुपए की, क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 100 रुपीज, यही होगा। प्रीवियस ईयर 15-16 में इस असेट को सेल कर दिया ₹20 में, क्या होगा? इनकम। PGBP हेड में कितना? ₹20। नेट डिडक्शन ओवर द ईयर्स देखो तो कितनी? ₹80। एंड दैट इज वेरी ट्रू, 80 मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इसकी जेब से अल्टीमेटली 80 गए। एसएससी बी, प्रीवियस ईयर 15-16 में क्या हुआ? परचेज 35AD असेट फ्रॉम ए, 4 रुपीज
20, इसके एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानेंगे 20, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा ऑन 20, दैट्स वेरी सिंपल। सुंदर विहार सेंटर का कहना है कि वो जो 45 लाख रुपए का लॉस हो रहा है उसका क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि असेसी ए है, एक्स कर लो, चलो कंफ्यूज नहीं होगा, उसकी यूनिट ए और यूनिट बी 35 एडी नॉट एप्लीकेबल, 32 दिस वे। इन्होंने कहा कि एक असेट परचेज करो 100 रुपए का, डिडक्शन 100 रुपए। अब इन्होंने कहा इसे सेल कर दो 90 रुपए में, तो क्या होगा इनकम में काउंट होगा कितना 90। सेल कर दो किसे, मिस्टर वाई को। अब यूनिट बी में मिस्टर वाई से परचेज कर लो 90 रुपीस, तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कितने पे 90। सुंदर विहार सेंटर, मैंने आपकी बात मानी, इन दैट वे इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट मैं इसे गड़बड़ नहीं कहूंगा, इसे लॉस बचाने का तरीका कहूंगा। इन्होंने कहा कि 35 एडी वाला असेट डायरेक्टली यूनिट बी में ले जाने की बजाय पहले बेचो और फिर खरीद लो, तो फ्रेंड्स उस केस में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिल जाएगा नो डाउट, बट क्या आपको लगता है खरीदना और बेचना इतना आसान काम है? कुछ 100-200 रुपए के असेट्स थोड़ी है, लाखों रुपए के असेट्स होते हैं, इट्स नॉट एन इजी टास्क। प्लांट एंड मशीनरी में चलो फिर भी कोई टैक्स नहीं लगा, बट अगर बिल्डिंग ट्रांसफर करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी कौन देगा? दो बार स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, एक बार बेचने पे और फिर वापस खरीदने पे, इट्स नॉट एन इजी टास्क। एक असेट को ट्रांसफर करके वापस रीपोजेस करना, इट्स नॉट इजी। सुंदर विहार सेंटर, दैट्स गुड दैट यू हैव मेड द प्लानिंग। इसको कहते हैं तरीके से टैक्स प्लानिंग, वी कैन से कि अगर टैक्स बचाना हो तो उस हिसाब से प्लानिंग आपके सही है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, कंटिन्यू करते हैं। एनी अदर डाउट और क्वेरी फ्रेंड्स? चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एंड द लास्ट अमेंडमेंट ऑफ पीजीबीपी हेड। पहले पुराना प्रोविजन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सुंदर विहार सेंटर एलओएल। लैपटॉप प्लीज। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी। फ्रेंड्स लास्ट ईयर एक सेक्शन आया था, देखो कितना क्या होता है। लास्ट ईयर सेक्शन आया, नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट नया बजट लेके आई, कहती पुरानी गवर्नमेंट सेक्शन बनाती है, बड़े गंदे सेक्शन बनाती है, हम इसको सही करेंगे। सबसे पहले पुराना प्रोविजन पढ़ते हैं फिर देखेंगे आगे। कोलकाता सेंटर, आप क्या पूछना चाह रहे हो? 13-14 में तो डिडक्शन मिला, फिर सेल में 15-16 में दोबारा डिडक्शन। फ्रेंड सेल करने से दोबारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम मानी जाएगी। 13-14 में असेट परचेज करके 15-16 में बेचूंगा तो जितने रुपए में बेचूंगा उसे इनकम में काउंट करेंगे, दोबारा से डिडक्शन नहीं मिलेगी, इनकम में काउंट करेंगे, और जिसने खरीदा है उसे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज दैट क्लियर कोलकाता सेंटर? सियालदा आओ फ्रेंड्स, हमने एक सेक्शन किया था फ्रेंड्स, आपको याद होगा क्लास में, सेक्शन 32 एसी। देखो उसका प्रोविजन पढ़ते हैं, आपको याद आ जाएगा, एग्जांपल भी लेंगे, फिर देखेंगे नए बजट के थ्रू अमेंडमेंट क्या आता है। असेसी कौन हो? कंपनी हो, बिजनेस किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। एक्वायर्स एंड इंस्टॉल्स न्यू असेट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 13-14 एंड प्रीवियस ईयर 14-15 एग्रीगेटिंग ग्रेटर देन रुपीज 100 crores। फ्रेंड्स एक प्रोविजन आया था बजट 2013 से, व्हाइट बोर्ड प्लीज। बजट 2013 विद अफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2013, सेक्शन 32 एसी डाला गया और उसमें क्या बोला, अगर आप प्रीवियस ईयर 13-14 प्लस प्रीवियस ईयर 14-15 में मिला के इन्वेस्टमेंट कर देते हो प्लांट एंड मशीनरी में कितनी, ग्रेटर देन 100 crores। छोटी मोटी नहीं फ्रेंड्स, कंडीशंस देखो, असेसी कौन? कंपनी। असेसी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, और दो साल में मिला के प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी, 100 crore से ज्यादा। तो इन्होंने कहा था क्या देंगे, डिडक्शन। इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस।
एट द रेट ऑफ 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड। क्या कहा कि अगर आपने दो सालों में मिला के अगर 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसके 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा या डिडक्शन मिलेगी। इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज नाउ फ्रेंड्स मैक्रो लेवल पे बेनिफिट। 100 रुपए का एसेट खरीदा, 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस 15% और डिडक्शन मिलेगी। बट उसके लिए कंडीशन थी दोनों साल में मिला के इन्वेस्टमेंट कितनी हो 100 करोड़ से ज्यादा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या इंडिया में लगता है जल्दी से कोई बिजनेसमैन कर पाएगा? गिने चुने कॉरपोरेट हाउसेज होंगे, ऑल टुगेदर नया बिजनेस होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी न्यू। तो फ्रेंड्स गिने चुने कॉरपोरेट्स कहीं ना कहीं इतने बड़े एसएससीज को बेनिफिट दे रहे हो जिनको जरूरत ही नहीं है, अरबों रुपए कमा रहे हैं उनको किस बात का बेनिफिट? अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो बिना किसी प्रोविजन के भी वो एस्टेब्लिश कर लेंगे। नई गवर्नमेंट आई कहते कि पुरानी गवर्नमेंट का ये प्रोविजन गलत था। इन्होंने कहा कि 100 करोड़ की तो लिमिट बहुत ज्यादा है, इन्होंने 100 करोड़ को घटा के क्या कर दिया 25 करोड़। नाउ दिस इज क्वाइट रीजनेबल फ्रेंड्स, 25 करोड़ इज स्टिल रीजनेबल बट 100 करोड़ इज मींस अ लॉट। 100 करोड़ को घटा के कितना करा 25 करोड़ करा। बट इन्होंने कहा बैक डेट से नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा यह प्रोविजन सिर्फ 2 साल के लिए था, इसको बढ़ा के हम 4 साल करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, पुराना प्रोविजन भी चल रहा है फ्रेंड्स, नया प्रोविजन भी आ गया और दो प्रोविजन अब एक साथ चलेंगे। किस प्रकार से चलेंगे ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर 13-14 प्लस प्रीवियस ईयर 14-15 ओल्ड प्रोविजन। नया प्रोविजन आया प्रीवियस ईयर 14-15 से और कब के लिए एप्लीकेबल किया 15-16 and 16-17। यहां पर न्यू प्रोविजन, यहां पर लिखा था दोनों साल में मिला के इन्वेस्टमेंट इतनी हो 100 करोड़ से ज्यादा। नए प्रोविजन में लिखा जिस साल इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा उस साल डिडक्शन मिल जाएगी। फ्रेंड्स यहां पर बीच में प्लस नहीं लगाया, ध्यान रखना बीच में प्लस नहीं लगाया। गवर्नमेंट बहुत चलाक है, ऐसे थोड़ी बताओ कहीं ना कहीं सभी एक ही की थैली के चट्टे बट्टे हैं। यहां पर था 2 साल में मिला के इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा, यहां पर बोला कि जिस साल में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा उस साल के इन्वेस्टमेंट पे 15% डिडक्शन दे देंगे। जिस साल में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा उस साल 15% की डिडक्शन दे देंगे। लोग और चलाक निकले, लोगों ने कहा मान लो यहां पर 90 रुपए की इन्वेस्टमेंट और यहां 30 रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो कहते 30 रुपए की डिडक्शन यहां भी दो और 30 रुपए की डिडक्शन यहां भी दो। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो गई 100 करोड़ से ज्यादा? यस, 90+30 मेक्स इट मोर देन 100। और इस साल जब 30 की इन्वेस्टमेंट करी तो क्या 25 करोड़ की कंडीशन फुलफिल हो गई? यस। तो लोगों ने कहा यहां भी डिडक्शन दो। कहने का मतलब लोगों ने कहा पुराना प्रोविजन 15%, नया प्रोविजन 15%, टोटल डिडक्शन 30%। गवर्नमेंट कहती अच्छा ये बात, कहते हैं अगर ये वाला प्रोविजन लगाओगे तो इस साल के लिए ये वाला नहीं लगेगा, इस साल के लिए। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर 14-15 में या तो पुराना या नया दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ओनली फॉर प्रीवियस ईयर 14-15। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 14-15 में आइदर ओल्ड और न्यू, प्रीवियस ईयर 13-14 में इन एनी केस ओल्ड और प्रीवियस ईयर 15-16 and 16-17 में ओनली न्यू। सुंदर विहार सेंटर, आपके इंटरप्रिटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर 13-14 में पुराना लगेगा, 14-15 में आपके पास चॉइस है, बट 15-16 या 16-17 में एनी केस नया प्रोविजन लगेगा। दूसरा इन दोनों सालों में मिला के 100 करोड़ से ज्यादा हो, यहां पे इंडिपेंडेंटली हर साल की इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा हो, तो जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके 15% की क्या दे देंगे डिडक्शन दे देंगे। देखो फ्रेंड्स अब प्रोविजन पढ़ते हैं फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। यस लखनऊ सेंटर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसको जवाब भी मान सकते हो आप।
लखनऊ सेंटर ने पूछा, सर नए प्रोविजन में क्या हर साल इंडिपेंडेंट है? यस, आपका क्वेश्चन और जवाब सेम, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दो। देखो फ्रेंड्स, लैपटॉप प्लीज, पढ़ते हैं प्रोविजन ध्यान से। देखो क्या लिखा, पॉइंट नंबर 7 ऑनवर्ड्स अप टू पॉइंट नंबर 6 फ्रेंड्स पुराना प्रोविजन है जो ऑलरेडी हम क्लासेस में कर चुके हैं। Acquires and installs new assets during the previous year aggregating greater than rupees 25 crores, then there shall be deduction under head TGBP equal to 15% of actual cost of new assets one time deduction in that previous year. No deduction is available from previous year 17-18 onwards. That is amendment applicable for 3 previous years only. Company claiming benefit of section 32AC in previous year 14-15 because of old provision cannot claim benefit of section 32AC under new provision in previous year 14-15 but can claim benefit in remaining 2 years but baki 2 saal mein naya provision apply kar sakti hai. Baki provision same hai friends, agle 5 saal tak asset nahi bechna. Agar agle 5 saal tak asset bech diya to 15% jo deduction mili thi use wapis income manenge. Depreciation aap claim kar sakte ho aur assets mein ye 5 assets count nahi honge. Point 8 not clear. फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला ये प्रोविजन कितने साल के लिए, व्हाइट बोर्ड फ्रेंड्स, दिस प्रोविजन इज फॉर अप टू प्रीवियस ईयर 16-17। नई गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेके आई तो 14-15 के बाद 2 साल और जोड़े बस। कहने का मतलब 35AD अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो 32AC सॉरी सेक्शन 32AC इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 4 ईयर्स 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। फ्रेंड्स, असेट्स ट्रांसफर कर सकते हो बट अगर असेट्स को ट्रांसफर कर दिया तो जितनी वो 15% डिडक्शन मिली थी उसे वापस इनकम मान लेंगे। अगले 5 साल तक असेट ट्रांसफर नहीं करना। यह सुंदर विहार सेंटर 4 साल के बाद 32AC की कोई पूछताछ नहीं होगी। हाँ, कोई अमेंडमेंट आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर 16-17 के बाद 32AC की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। आओ फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको एमएस वर्ड में खोल लेता हूं, यहीं पे लिखते जाएंगे। लैपटॉप प्लीज। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द एडमिसिबल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AC फॉर असेसमेंट ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16 एंड असेसमेंट ईयर 16-17 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है कि इन 3 सालों में डिडक्शन क्या मिलेगी। बताओगे फ्रेंड्स, पहले केस में पढ़ के ध्यान से, किस साल कितनी। पहला केस ए लिमिटेड का, डिडक्शंस का अमाउंट लिखते जाओ, अगर 0 है तो 0, 0 या कॉमा मत लगाना, स्पेस दे देना, अमाउंट है तो अमाउंट लिखते जाओ और 3 अमाउंट्स लिख दो। कहने का मतलब अगर 0 है तो 0, 0, 0, जो भी लिखना चाहते हो आप, समझ गए हो बात को। आंसर आया हमारे पास कितना, 0, 0, 0 लखनऊ सेंटर गलत, nil 25 रोहतक सेंटर गलत, 0, 0, 4.5 यस, जयपुर सुभाष नगर, दैट्स द परफेक्ट आंसर, जयपुर सुडाला यू आर सेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ए लिमिटेड ओनली, हाजरा कोलकाता ओके परफेक्ट, सुंदर विहार सेंटर परफेक्ट आंसर। देखो फ्रेंड्स ध्यान से, यहां पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करते समय ध्यान रखेंगे, पहले पुराना प्रोविजन लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुराने प्रोविजन में 2 साल का बेनिफिट हो सकता है एक साथ मिल जाए। अगर पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो नए प्रोविजन पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो 13-14 में तो इन एनी केस वैसे ही पुराना प्रोविजन लगना है। क्या 13-14 में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा है? नो, और हमें नहीं पता अगले साल जाके इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो 13-14 में अगर मैं देखूं तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? नील, क्योंकि 13-14 में नहीं पता 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई या नहीं हुई। अब 14-15 में आके हम सबसे पहले पुराना प्रोविजन देखेंगे। पुराने प्रोविजन के हिसाब से इन दोनों साल का टोटल कितना होना चाहिए था? 100 करोड़ से ज्यादा।
बट दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन एक्सीड 100 crores. इसका मतलब पुराना प्रोविजन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, पुराना प्रोविजन 14-15 में अप्लाई नहीं हुआ, तो हम नया चेक करेंगे. नया प्रोविजन कहता है सिर्फ इस साल की इन्वेस्टमेंट कितनी हो, सिर्फ इस साल की इन्वेस्टमेंट कितनी हो 25 crore से ज्यादा, वो कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो यहां डिडक्शन कितनी. आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रेंड्स. यहां तक समझ में आया होगा आपको. पहले हमने चेक करा 80, इट्स नॉट मोर देन 100, निल. अगले साल 10, दोनों का टोटल मिला के 100 से ज्यादा नहीं हुआ, निल. फिर हमने कहा क्या ये 25 से ज्यादा है, नो, तो निल. अब अगले साल जाएंगे 30. नाउ फ्रेंड्स हर साल इंडिपेंडेंट, यहां पे नया प्रोविजन लगेगा, इज दैट मोर देन 25, यस. यहां पे डिडक्शन कितनी 15% ऑफ 30. फ्रेंड्स ए लिमिटेड में कोई भी डाउट और क्वेरी तो पूछो, एनी डाउट और क्वेरी इन ए लिमिटेड. Any doubt or query in A Limited, friends? चल सकते हैं आगे. Just raise your hand, friends, if it is comfortable. आओ B case में. 75. क्या सिर्फ 75 के basis पे आप decision ले सकते हो? Is that? What do you say? फ्रेंड्स अगर सिर्फ 13-14 की इन्वेस्टमेंट देखें तो हमें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा होएगी या नहीं. इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था इस साल डिडक्शन कितनी 0. बट क्या इन दो साल की इन्वेस्टमेंट मिला के 100 करोड़ से ज्यादा, यस. तो फ्रेंड्स यहां पे डिडक्शन मिलेगी कितनी 15% ऑफ 75 प्लस 35. आई थिंक याद आ रहा होगा ये प्रोविजन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. जैसे ही 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो पुरानी इन्वेस्टमेंट की भी डिडक्शन मिल जाएगी किस साल, जिस साल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा हो. तो फ्रेंड्स यहां पे 15% डिडक्शन मिलेगी पूरे 110 की, किस साल, प्रीवियस ईयर 14-15 में. क्या यहां पर इस 35 पे दोबारा से डिडक्शन मिलेगी न्यू प्रोविजन के तहत? नॉट एट ऑल. अगर पुराना अप्लाई हो गया तो नया प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. नाउ दिस ईयर 35, दिस इज मोर देन 25, यू विल गेट 15% ऑफ 35. क्लियर है फ्रेंड्स? नॉर्थ कैंपस सेंटर ए लिमिटेड में 40 अमाउंट कैसे आया आपका? क्या आप इन दोनों का टोटल कर रहे हो? नो फ्रेंड्स. ये ध्यान रखो नया प्रोविजन हर साल के लिए इंडिपेंडेंट है, हर साल इंडिपेंडेंटली चेक होगा, वहां पे क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी. यहां पे सिर्फ 30 देखेंगे, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी. इज दैट क्लियर नॉर्थ कैंपस? आवर फ्रेंड सी लिमिटेड 110, क्या कहते हो, क्या डिडक्शन मिल जाएगी? यस, 15% ऑफ 110, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा कर चुके. यहां फ्रेंड्स कितना 15% ऑफ 40, प्रोविजन कौन सा लगेगा? ओल्ड. फ्रेंड्स ओल्ड प्रोविजन से, वैसे नया लगाने से फर्क नहीं पड़ रहा, बट टेक्निकल लैंग्वेज कहती है अगर एक बार पुराना लगा दिया तो पुराना लगेगा, नया अप्लाई नहीं होगा. ऑल्ड दोनों में अमाउंट सेम आना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में. और यहां कितना? निल. क्यों निल? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं. एनी डाउट और क्वेरी फ्रेंड्स? आओ आगे. डी लिमिटेड निल, क्या कहते हो यहां पर फ्रेंड्स? निल. और आप बताओ, मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शन रख दिए. बिल्कुल सही जवाब आया बहुत सारे सेंटर्स का कि यहां पर 15% ऑफ 98 कौन सा प्रोविजन लगेगा? न्यू प्रोविजन. अगर पुराना नहीं लगता तो नया लगा दो. और यहां पर कितना? निल. कोलकाता सेंटर, व्हाट डू वांट टू आस्क सर? बेनिफिट तो आई नॉट एबल टू गेट. हाजरा कोलकाता, व्हाट डू वांट टू आस्क? लखनऊ सेंटर, मैंने यहां पर ओल्ड प्रोविजन इसलिए लगाया क्योंकि लॉ की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर एक बार ओल्ड लगा दिया तो अगले साल में भी ओल्ड ही लगेगा.
दैट इज वट इज अ टेक्निकल इंटरप्रिटेशन. बट कैलकुलेशन एस्पेक्ट में देखो तो पुराने या नए प्रोविजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पर्टिकुलर केस में, दिस वन, दिस पर्टिकुलर केस. बट टेक्निकल लैंग्वेज के कारण मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी है, दैट द रीजन ओनली. आओ फ्रेंड्स, ई लिमिटेड 15% ऑफ 105 nil, 15% ऑफ 45. आई थिंक इट इज क्लियर. फ्रेंड्स, बेनिफिट सेम है, नया प्रोविजन इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज एक्ट की यही बोल रही है. इफ यू वंस अप्लाइड द ओल्ड प्रोविजन देन द ओल्ड प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल. ऑल दो कैलकुलेशन एस्पेक्ट से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पर ओल्ड लगाओ चाहे न्यू लगाओ. ज्यादा ही है तो इसको डिलीट कर दो लो. निल 15% ऑफ 110 एंड 15% ऑफ 40. यहां पर आपके पास चॉइस है, ओल्ड या न्यू कोई भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. यहां पर क्या होगा, निल 15% ऑफ 30 न्यू एंड 15% ऑफ 40. आपके सामने फिलअप कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो नहीं समझ में आए मेरे से पर्टिकुलर केस पूछ लेना. निल निल 15% ऑफ 40, निल 15% ऑफ 90 + 20, ओल्ड प्रोविजन लगेंगे एंड 15% ऑफ 50. निल 15% ऑफ 20 + 90, ओल्ड प्रोविजन निल. फ्रेंड्स, यहां पे ओल्ड प्रोविजन लगाना बेनिफिशियल है क्योंकि मुझे 20 लाख पे भी डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, 20 करोड़ पे भी. अगर मैं यहां पे नया प्रोविजन लगाता हूं इस पर्टिकुलर केस में तो सिर्फ 90 करोड़ पे मुझे डिडक्शन मिलती, 20 पे नहीं मिलती. तो पहले हम इन एनी केस ओल्ड प्रोविजन चेक करेंगे, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो नए पर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. चल सकते हैं आगे फ्रेंड्स. एनी डाउट और क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और अमेंडमेंट. फ्रेंड्स, पीजीबीपी पार्ट हमारा कंप्लीट है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स. White board, please. Friends, capital gains head के अंदर हमने एक definition करी थी capital asset. अगर capital asset है तभी capital gains head apply होगा, otherwise apply नहीं होगा. Now, for example, एक building लेते हैं, building. क्या जरूरी है कि वो building हमेशा capital asset ही हो as per definition of capital asset? It's not necessary. अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, बिल्डिंग्स अगर मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो फ्रेंड्स पीजीबीपी हेड अप्लाई होगा, कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होगा. सेम विद द ज्वेलरी. अगर मेरी पर्सनल यूज की ज्वेलरी है तो कैपिटल एसेट है, बट अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, उस केस में पीजीबीपी हेड अप्लाई होगा. अगर मैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दे दूं कि आप कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई करो या पीजीबीपी हेड अप्लाई करो, आप कौन सा हेड अप्लाई करना चाहोगे? व्हाट डू यू से? एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि यू अप्लाई आइदर कैपिटल गेन्स हेड और पीजीबीपी हेड, विच हेड विल यू प्रिफर? व्हाई पीजीबीपी? फ्रेंड्स कैपिटल गेन्स हेड में मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो पीजीबीपी हेड में अवेलेबल नहीं है. कैपिटल गेन्स हेड के अंदर बेनिफिट्स क्या है? अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो टैक्स रेट मे बी 20%, शॉर्ट टर्म हुआ तो 15%.
कैपिटल गेन्स हेड में अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है तो एग्जेम्पशन की पॉसिबिलिटी है सेक्शन 54 टू 54 जीबी, बट ऐसे कोई भी प्रोविजंस पीजीबीपी हेड में नहीं है। शेयर्स की बात करें तो सेक्शन 1038, और वो तभी अप्लाई होता है जब कैपिटल एसेट हो, स्टॉक इन ट्रेड है, तो 1038 अप्लाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई हो, ना कि पीजीबीपी हेड अप्लाई। कोलकाता सेंटर क्या कह रहे हो, ये कैपिटल गेन के नोट्स नहीं मिले? कौन से नोट्स, अमेंडमेंट्स के कह रहे हो या मेन बुक की बात कर रहे हो? क्या आपको स्टार्टिंग के 10 पेज ही मिले हैं, दैट्स ऑल? फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखते हो कि वो पीजीबीपी प्रेफर करेगा। फ्रेंड्स, पीजीबीपी में जाने का मतलब बुक्स मेंटेन करना, सारे खर्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। हर आदमी चाहता है कि काम कम से कम करना पड़े, कंप्लायंसेस कम से कम, पीजीबीपी में सारी चीजों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सुंदर विहार सेंटर, या देर आर टोटल 18 पेजेस, नो डाउट। उसके अंदर से पहला पेज तो आपका कवर पेज है, दिस इज द फर्स्ट पेज, लैपटॉप प्लीज, दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज आपका, एक मिनट, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकंड पेज, सेकंड पेज इज ब्लैंक। अगर नोट्स की बात करूं, दिस इज पेज नंबर वन, तो अगर नोट्स की बात करोगे तो एज पर दैट देर आर ओनली 16 पेजेस, दिस इज द लास्ट पेज। कोलकाता सेंटर, अपने सेंटर इंचार्ज से बात करें कि हमें बाकी पेजेस नहीं, बाकी मैं आपके सामने लैपटॉप पे व्यू दे रहा हूं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, लोग क्या कहते थे, प्रेफर करेंगे क्या चीज, कैपिटल गेन्स हेड। अब डिपार्टमेंट आपको पता उल्टा चलेगा, डिपार्टमेंट कहता था कि आपने जो ये डीलिंग्स करी है भाई साहब, ये स्टॉक इन ट्रेड था आपके लिए, कैपिटल एसेट नहीं था। डिपार्टमेंट कहता था हम पीजीबीपी हेड लगाएंगे, दैट वाज द थिंग। तो फ्रेंड्स, इंडिया में कोई ऐसा काम करता है, कहते हैं उसके साथ तो चलती रहेगी लड़ाई झगड़ा, केस चलते रहेंगे, सलटते रहेंगे, बट अगर कोई फॉरेनर है उसके साथ अगर लड़ाई झगड़े की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, उनको बेनिफिट दिया गया, और देखो ध्यान से देखना अमेंडमेंट क्या करे, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को चेंज करा और क्या लिखा, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये जो बोल्ड में वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज आर द अमेंडमेंट, अगर इसको इग्नोर करूं तो क्या लिखा था, बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी हेड अप्लाई होगा, कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई नहीं होगा, पर्सनल एफेक्ट्स एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। और फ्रेंड्स, कोई भी कैपिटल असेट या कोई भी प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट, इट्स अ डिबेटेबल इशू, एंड स्पेशली इन केस ऑफ सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, बिल्डिंग्स में इतना बड़ा इशू नहीं आता, ज्वेलरी में इतना बड़ा इशू नहीं आता जितना सिक्योरिटीज। डिपार्टमेंट बड़ा खतरनाक, मैंने पूरे साल में गिनी चुनी 20 ट्रांजेक्शन करी। डिपार्टमेंट ने कहा जी 20 ट्रांजेक्शन करिए शेयर्स की, 20 ट्रांजेक्शन का मतलब समझते हो जी, ये तो आपका बिजनेस है, मैं तो पीजीबीपी हेड लगाऊंगा। मैं कहता हूं भाई साहब 20 ही ट्रांजेक्शन करी है, अफेंस 20, उसके साथ क्या इसको मान लो अपने आप में इतना प्लूरल है कि बिजनेस है, या ही वर्ड लगा के कह दू भाई साहब छोटी मोटी 20 ट्रांजेक्शन है, कैपिटल एसेट मानो। अब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, डिपार्टमेंट तो इतना खतरनाक, एक एसएससी ने पूरे साल में एक ही ट्रांजेक्शन करी, कहता भाई साहब ये भी बिजनेस है। सोचो पूरे साल में एक ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज करते, ये भी बिजनेस है, कहते मैं तो पीजीबीपी हेड लगाऊंगा। एसएससी कह रहा भाई साहब, फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्या सिक्योरिटीज में अगर आप डील करते हो इज दैट बिजनेस और इज दैट कैपिटल असेट। देखो इसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर चीज शो करता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। फाइनल वॉल्यूम 3, दिस इज द फाइनल बुक, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं प्रॉब्लम में आ जाओ, टेंशन मत लेना इतनी।
आपको दिखाता हूं किस लेवल पे डिस्कशंस होते हैं। फ्रेंड्स डरा नहीं रहा, आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं। देखो जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। ट्राई तो करनी है ना हर चीज, या नहीं करनी है बताओ। अगर पहले से पता हो ना कि अगर आने वाले रास्ते में गड्ढे बहुत सारे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। फ्रेंड्स अच्छे दिन तो उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन सीए ज्वाइन किया था। जिस दिन सीए ज्वाइन किया था उसी दिन अच्छे दिन खत्म हो गए थे, तो वो तो भूल ही जाओ कि अच्छे दिन बाकी हैं। मैं सिर्फ इंडेक्स निकाल रहा हूं पीजीबीपी हेड का, और कुछ नहीं कर रहा। इंडेक्स देख के समझ जाओगे मैं क्या करने वाला हूं। दिस इज द इंडेक्स ऑफ पीजीबीपी हेड फॉर फाइनल लेवल। एक एक सेक्शन है, सेक्शन 28, 29। दिस इज द इंडेक्स। अब आप कहोगे सर इंडेक्स इंडेक्स में खत्म कर दिया, सवा दो पेज का तो इंडेक्स ही है। तो बचा क्या हमारे पास ये बताओ। दिस इज द फ्रेंड्स सर्कुलर, देखो ध्यान से, मिला सबको, दिख रहा है फ्रेंड्स सबको। यहां पर देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, टेस्ट फॉर सच अ डिस्टिंक्शन। डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और उसके थ्रू कहा कि कब मान के चलेंगे आपने जो शेयर्स रखे हैं वो इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक इन ट्रेड। और फ्रेंड्स इस सर्कुलर के बेसिस पे भी आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ने अल्टीमेटली कुछ नहीं बताया। देखो क्या लिखा, इनकम टैक्स एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कैपिटल एसेट एंड अ ट्रेडिंग एसेट। कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में एक डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 214 ऑफ द एक्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड गेन्स आर डेल्ट विद इतना सेक्शन, शॉर्ट टर्म इतना। ट्रेडिंग एसेट इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 28 ऑफ दैट, दैट इज नथिंग बट पीजीबीपी। अगर ट्रेडिंग एसेट है तो पीजीबीपी हेड अप्लाई होगा, और कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई होगा। फ्रेंड्स अभी इन्होंने देखो क्या लिखा, क्वेश्चन आया क्या चीज, वेदर ए पर्टिकुलर होल्डिंग ऑफ शेयर्स इज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट और फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कोर्ट के पास एक क्वेश्चन आया, सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर शेयर्स की होल्डिंग क्या उसे इन्वेस्टमेंट मानेंगे या पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे। इज अ मैटर विच इज विद इन द नॉलेज ऑफ द असेसी हु होल्ड द शेयर्स। कहते हैं ज्यादा बेटर असेसी को पता है, क्योंकि असेसी ने उस इंटेंशन के साथ शेयर्स खरीदे होंगे। And it should, in normal circumstances, be in a position to produce evidence from its records. और assessee ही बता सकता है कि मेरे लिए वो क्या था। Any distinction between those shares which are stock in trade and those which are held by way of investment. अब अगर assessee को ये option दे दिया जाए कि आप बताओ, तो obviously बात है assessee गड़बड़ करेगा। अब देखो इस पे क्या कहा, authority of advance ruling, this is kind of court only we can say. इसके अंदर इन्होंने क्या कहा आपको पूरा बता देता हूं मैं। अल्टीमेटली क्या कहा इन्होंने, सीबीडीटी ऑल्सो विशेष टू एम्फोसाइज दैट इट इज पॉसिबल फॉर ए टैक्स पेयर टू हैव टू पोर्टफोलियोज, एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, एंड अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विच आर टू बी ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एसेट। Where an assessee has two portfolios, the assessee may have income under both heads. कहते दो तरीके से रखें तो दोनों इनकम, एक तरीके से रखा तो एक इनकम। अल्टीमेटली कहा क्या वो आज तक क्लियर नहीं है। द असेसिंग ऑफिसर आर फर्दर एडवाइज दैट नो सिंगल प्रिंसिपल वुड बी डिसीजिव एंड टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल शुड बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन वेदर इन ए गिवन केस द शेयर्स आर हेल्ड बाय द असेसी एज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इंटेड। कहते हैं सारे फैक्टर्स देखते हुए डिसाइड करना। अरे जब कुछ बताने की कोशिश करी तो बता तो देते कम से कम। फ्रेंड्स दीज आर द केस लॉज जहां पर कोर्ट ने अलग अलग व्यूज दिए, कभी कहा कि कैपिटल एसेट है, कभी कहा स्टॉक इन ट्रेड। दीज आर केस लॉज, ये सब इससे रिलेटेड केस लॉज है अलग अलग। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली डिबेट यही था कि सिक्योरिटीज आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है या फिर कैपिटल एसेट है। फॉरेनर्स ने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी,
क्योंकि वो कैपिटल असेट मानते थे, तो असेसिंग ऑफिसर कहता था स्टॉक इन ट्रेड, और वो अगर स्टॉक इन ट्रेड मानते थे तो असेसिंग ऑफिसर कहता था कैपिटल असेट। प्रॉब्लम खड़ी कर दी। फॉरेनर्स को श्योरिटी देने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट करी, और ध्यान से देखो क्या लिखा, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज प्रोफेशन और एनी सिक्योरिटीज। फ्रेंड सिक्योरिटीज वर्ड को हाईलाइट कर लेना ध्यान से, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं है। वेदर एज कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और वो भी सिर्फ अमेंडमेंट किसके लिए, FII, शॉर्ट फॉर्म लिख लो फ्रेंड्स, इसकी एग्जाम में आ सकती है, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन शॉर्ट वी से FII। फ्रेंड्स ये सेबी के द्वारा नोटिफाइड होती है, ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड है और उन्होंने अगर इंडिया के अंदर कोई सिक्योरिटीज एक्वायर करी, तो उनके लिए डिबेट नहीं अराइज किया जाएगा कि वो स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट, मान के चलेंगे हमेशा के लिए कैपिटल असेट। तो FII को एक श्योरिटी दे दी कि अगर आप इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम हमेशा उसे कैपिटल असेट मानेंगे, स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे। फ्रेंड्स श्योरिटी होने से फायदा यह होता है कि आपको हमेशा पता रहता है कि टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे। अगर किसी चीज की श्योरिटी नहीं हो तो आप हमेशा डिलेमा में रहते हो, तो दैट्स द थिंग। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोला कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा कैपिटल असेट माना जाएगा, किसी भी सर्कमस्टेंस में स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स दैट्स द स्मॉल अमेंडमेंट दे हैव मेड कि FII के लिए चाहे वो कैपिटल असेट हो चाहे स्टॉक इन ट्रेड, ना तो उसके इंटेंशन पे जाएंगे ना ही रिकॉर्ड्स पे, ऑलवेज मानेंगे वो क्या है, कैपिटल असेट। फ्रेंड्स लोकल इन्वेस्टर के लिए आज भी देखो, लोकल इन्वेस्टर को अगर श्योरिटी दे दी तो आप और मैं क्या करेंगे ये बताओ। फ्रेंड्स केस लड़ने जाएंगे तभी तो फीस मिलेगी, तो वो वाली बात है। तो लोकल इन्वेस्टर्स को भी अगर श्योरिटी दे दी तो आप के लिए और मेरे लिए कोई काम नहीं बचेगा, फिर तो इनकम टैक्स नामक सब्जेक्ट ही हटाना पड़ जाएगा CMA से, उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा, तो दैट्स द थिंग। तो फ्रेंड्स ये श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ दी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन शॉर्ट वी से FFI, उनको बोल दिया कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड, हम तो मान के चलेंगे कैपिटल असेट। ये ध्यान रखना प्रोविजन सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए है, बाकी असेट्स के लिए नहीं है। तो दैट इज अ स्मॉल बेनिफिट और यू कैन से श्योरिटी हैज बीन गिवन टू द असेसी एंड दैट इज FFI। फ्रेंड CA इजी हो जाएगा तो ये भी सोचो ना कि सारे लोग CA बन जाएंगे, जो चीज आसान वहां पे तो भीड़ है, फिर वहां पे ना तो कोई अर्निंग्स है ना ही कोई रेपुटेशन है, तो वो वाली बात है। मैं तो कहता हूं मुश्किल बनाना चाहिए, जितना मुश्किल बनाओगे उतनी हमारी गुडविल ज्यादा अल्टीमेटली। फ्रेंड्स यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी टिल दिस पॉइंट, कोई डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज वी आर हैविंग अ ब्रेक। जिनके डाउट्स नहीं है वो अपना ब्रेक एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी का कोई डाउट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया दैट पर्सन कैन आस्क। ठीक है फ्रेंड्स वी आर हैविंग अ ब्रेक, वी मीट आफ्टर 10 मिनट्स।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स ऑन द पेज नंबर 9, टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स सेक्शन 2 क्लॉज 42A। फ्रेंड्स आपको याद आ रहा होगा, हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कैपिटल असेट्स दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसमें भी आपको याद होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कब माना जाएगा, अगर आपने एक पर्टिकुलर कैपिटल असेट अगर मोर देन 36 मंथ्स के लिए रखा है तो उसे क्या मानेंगे लॉन्ग टर्म, अदरवाइज उसे क्या माना जाएगा शॉर्ट टर्म। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, कुछ पर्टिकुलर कैपिटल असेट्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ 12 मंथ्स की चेक करनी थी, 36 मंथ्स की चेक नहीं करनी थी। और वो असेट्स कौन कौन से थे एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं और फिर देखते हैं अमेंडमेंट क्या करें। हाजरा कोलकाता का पूछना है कि सर अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसे क्या एडवाइस देते हो कि सिक्योरिटीज को कैपिटल असेट माना जाए या स्टॉक इन ट्रेड माना जाए। फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, देखो अल्टीमेटली पैसे कमाने हैं। आ जाता हूं मैं लाइन पे, कोई बात नहीं, बनिया हूं, मारवाड़ी हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। फ्रेंड्स उसको वो एडवाइस दी जाती है जिससे उसका टैक्स कम बने। अब आप कहोगे उसमें कमाई कैसे, पहली बात तो हमने जब उसको कहा कि देखो तुम्हारा टैक्स कम कर दिया तो वो फीस देके जाएगा, दूसरा ऑब्वियसली बात है उसकी टैक्स लायबिलिटी कम करेंगे तभी तो डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा। अगर मैंने पूरा टैक्स दिलवा दिया तो क्या डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा, नॉट एट ऑल। डिपार्टमेंट कहेगा अरे इसका तो टैक्स फालतू आए रखा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना कम टैक्स दिलवाते हैं उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा, और डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्लाइंट हमें ही भेजेगा असेसिंग ऑफिसर के पास। कल को अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या और लेवल्स पे अपील जाएगी तो ऑब्वियसली बात है हमें ही अप्रोच करेगा, खुद तो नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कभी भी बड़ी फर्म्स के पास चले जाना, वो हमेशा आपको वही ओपिनियन देंगे जिससे आपका टैक्स कम हो जाए। चाहे लॉ में क्लियरली लिखा हो कि ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी कहेंगे कर लो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर बिजनेस जनरेट करना है, दैट्स द थिंग। आओ फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर हमने किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट किसे माना जाएगा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी हो ग्रेटर देन 36 मंथ्स। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, जहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी चाहिए ग्रेटर देन 12 मंथ्स, कहां कहां पर, शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज। शेयर्स कौन से, एनी लिस्टेड, अनलिस्टेड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वट एवर। और या फिर क्या थे यहां पर, यूनिट्स, कौन से, एनी। फ्रेंड्स इन तीन सिक्योरिटीज के केस में लिखा था पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने से ज्यादा है तो उसे क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इसमें इन्होंने अमेंडमेंट करी और क्या किया, इन्होंने कहा इसकी जगह लिखा लिस्टेड सिक्योरिटीज। एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मेरे ख्याल से ये वर्ड्स आपको याद आ रहे होंगे, जब हमने सेक्शन 1030A डिस्कस किया था तो वहां पे डिस्कस किया था कि सिर्फ दो ही पर्टिकुलर कैपिटल असेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होंगे तो उनके कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होंगे। वहां पर हमने डिस्कस किया था लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। क्या मतलब था इसका, कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो पैसा आगे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। तो इन्होंने कहा कि 12 महीने का प्रोविजन या तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए लगेगा, इसका मतलब इसमें अब क्या आएंगे, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, और यूनिट्स कौन से आएंगे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के, अदर यूनिट्स यहां पर कवर्ड अप नहीं होंगे। तो डिफरेंस कहां पर आया फ्रेंड्स, पहले शेयर्स थे कोई भी उसकी जगह हो गए लिस्टेड शेयर्स, पहले थे यूनिट्स कोई भी उसकी जगह हो गए सिर्फ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो अब डेफिनेशन थोड़ी सी छोटी कर दी, देखो लैपटॉप यहां पे स्क्रीन पे देखना नोट्स के साथ, लैपटॉप प्लीज, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट वन। इफ अ कैपिटल असेट इज हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ्स एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर देन सेम शैल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ऑल्सो कॉल्ड पीरियड ऑफ होल्डिंग। इन केस ऑफ शेयर्स ये पुराना प्रोविजन था, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स देन सेम शैल बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इसको कट करके क्या लिख दिया, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में शेयर्स डिबेंचर्स सभी आएंगे,
अगर लिस्टेड है तो 12 महीने, अनलिस्टेड है तो 36 महीने। अगर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो 12 महीने, और कोई यूनिट्स है तो 36 मंथ्स। सिंपल, इसको और समराइज कर लेते हैं फ्रेंड्स यहां पर, व्हाइट बोर्ड प्लीज। सिक्योरिटीज लिख लेते हैं और उसके बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिटीज पहला क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स अगर लिस्टेड है तो 12 मंथ्स, अनलिस्टेड है 36 मंथ्स। प्रेफरेंस शेयर्स सेम, डिबेंचर्स सेम। यूनिट्स के केस में क्या करोगे फ्रेंड्स? यूनिट्स के केस में देखा जाएगा क्या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या अदर फंड्स है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है 12 मंथ्स, अदर फंड्स है तो 36 मंथ्स। विमानवेयर सेंटर वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुका हूं, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज ऑलरेडी क्लियर। तो अगर 12 महीने का पीरियड भी देखोगे तो डेट ऑफ ट्रांसफर को छोड़ के 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए। कोलकाता सेंटर पूछ रहे व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड। फ्रेंड्स याद करो म्यूचुअल फंड कंपनी का कंसेप्ट क्या था। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल का मतलब मिला के, स्मॉल इन्वेस्टर्स अपना पैसा किसको देते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी को। मनी, बदले में इनको क्या मिलेंगे? यूनिट्स। म्यूचुअल फंड कंपनी ये पैसा कहां इन्वेस्ट करती है? कंपनीज में। कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? मनी, बदले में क्या मिलेंगे? शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड कंपनी का कंसेप्ट याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, दैट वाज द थिंग। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग फंड्स बनाती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा इक्विटी शेयर्स में जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने फंड का नाम दिया इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो मैं जो पैसा दूंगा म्यूचुअल फंड कंपनी को वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में दूंगा। कहने का मतलब मेरा मैक्सिमम पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, बाकी जगह इन्वेस्ट नहीं होगा। अदर फंड्स का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, डेट ओरिएंटेड फंड। अगर मैंने इस फंड के यूनिट्स लिए, कहने का मतलब इस फंड में पैसा दिया, तो ये पैसा कहां जाएगा? डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होगा, ना कि शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है इसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें रिस्क कम है, ये तो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पता भी है। तो इन्होंने कहा कि ये 12 महीने का पीरियड अब किसके लिए? लिस्टेड के लिए या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स के लिए। तो 12 महीने के कारण जो बेनिफिट मिलता था उस बेनिफिट को कर्टेल कर दिया। पहले वो बेनिफिट ज्यादा सिक्योरिटीज के लिए था, अब लिमिटेड सिक्योरिटीज के लिए। फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर, पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट और क्वेरी? तो ध्यान रखना, नाउ 12 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग इज वैलिड ओनली फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। चलें इसके आगे फ्रेंड्स, टैक्स रेट्स में अगर आपको याद हो, हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, आपके सामने बुक ओपन करता हूं मैं। फ्रेंड्स टैक्स रेट्स में इफ यू रिमेंबर, हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आईपीसीसी लेवल पे देखूं तो उसके ऊपर आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। वहां पे हमने मार्किंग भी करी थी, दिस वन पेज नंबर 13 ऑफ द मेन बुक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स कितना है? 20%। ये सबको पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स कितना है? 20%। बट वहां पे हमने एक प्रोविजन किया था, इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, असेसी हैज ऑप्शन टू कैलकुलेट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 10%, बट इन दैट केस इंडेक्सेशन बेनिफिट शेल नॉट बी अवेलेबल। असएससी में भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, असएससी को बेनिफिट दिया हुआ था कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब कोई भी यूनिट्स कोई भी, या जीरो कूपन बॉन्ड्स बेचे हैं और वो क्या है? लॉन्ग टर्म है,
तो आप चाहो तो उनके ऊपर 10% टैक्स दे देना, बट उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स यहां पर भी छोटी सी अमेंडमेंट करी और देखो क्या अमेंडमेंट करी, फर्दर ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इंस्टेड ऑफ टैक्स एट द रेट 20% एलटीसीजी आफ्टर इंडेक्सेशन हैज बीन लिमिटेड टू लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली, अर्लियर इट वॉज अवेलेबल फॉर यूनिट्स ऑल्सो। फ्रेंड्स इन्होंने सिंपली क्या करा, पुराने प्रोविजन के अंदर ये जो यूनिट्स वर्ड है इसे काट दिया, हटा दिया। कहने का मतलब यूनिट्स पे अब 10% का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10% का ऑप्शन किस पे, लिस्टेड सिक्योरिटीज पे। यूनिट्स हटा दिए, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के हो चाहे और किसी फंड के हो, यूनिट्स पे अब 10% का ऑप्शन नहीं मिलेगा। न्यू प्रोविजंस आर मेड इफेक्टिव फ्रॉम 11th of July 2014। फ्रेंड जीरो कूपन बॉन्ड्स पे रहेगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स पे अभी भी 10% का प्रोविजन है। फ्रेंड्स ये तारीख ध्यान से देखना, ये जो दोनों अमेंडमेंट्स करी गई हैं ये कब से एप्लीकेबल है, 11 जुलाई 2014 से। बाकी सारी अमेंडमेंट्स में मैंने कहीं पर भी मार्क नहीं करा कब से इफेक्टिव, इसका मतलब पूरे साल के लिए, बट जहां पर मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया कब से इफेक्टिव तो इसका मतलब 11 जुलाई से। अगर मैंने शेयर्स 11 जुलाई से पहले बेच दिए तो फ्रेंड्स 12 महीने के हिसाब से लॉन्ग टर्म माने जाएंगे, बट अगर उन शेयर्स को मैंने 11 जुलाई या उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म तभी माना जाएगा जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी, मोर देन 36। सिमिलरली यूनिट्स के केस में अगर मैंने 10 जुलाई या उससे पहले ट्रांसफर कर दिया तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10% टैक्स दूं, बट अगर उन यूनिट्स को मैंने 11 जुलाई या उसके बाद बेचा तो फ्रेंड्स उस केस में 10% का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स अनलिस्टेड में तो नॉर्मल प्रोविजन, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो 20% टैक्स लगेगा, और 20% टैक्स लगेगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, तारीख 11 जुलाई 2014, ये 11 जुलाई कैसे याद रहेगी। फ्रेंड्स नया बजट कब प्रपोज हुआ था, 10 जुलाई को। जब नया बजट प्रपोज हुआ था तो वहां पे लिखा हुआ था 1 अप्रैल, बट लोगों ने कहा पहले बताते, हमने तो गुड फेथ में सिक्योरिटीज बेच दी 10 जुलाई से पहले, आप तो ऐसे कर रहे हो बैक डेट में टैक्स लगा रहे हो, हमने तो गुड फेथ में बेची। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, जो 10 जुलाई तक बेच चुका उसको हम पुराने प्रोविजंस का बेनिफिट देते हैं, नया प्रोविजन 11 जुलाई से इफेक्टिव करेंगे, उससे पहले इफेक्टिव नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जब बजट पास हुआ तो वहां पे तारीख बदल के कितनी कर दी, 11 जुलाई कर दी। तो दैट्स द प्रोविजन। फ्रेंड्स इसे समराइज करते हैं, वैसे समराइज कर भी रखा है, ये देखो यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग और टैक्स ऑप्शन दोनों। लिस्टेड शेयर्स चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, पुरानी रिक्वायरमेंट थी 12 महीने की, नई रिक्वायरमेंट भी 12 महीने की। टैक्स ऑप्शन या तो 20% दे देना इंडेक्सेशन के साथ या 10% दे देना बिना इंडेक्सेशन के, और वो टैक्स ऑप्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अनलिस्टेड शेयर्स पहले 12 महीने था, अब कितना हो गया, 36 महीने। अनलिस्टेड थे तो पहले भी 20% टैक्स लगना था, अब भी 20% लगेगा। लिस्टेड डिबेंचर्स पहले 12 महीने थे, अब भी 12 महीने, पहले भी 10% था, अब भी कितना, 10%। अनलिस्टेड डिबेंचर्स पहले भी 36, 20%, अब भी 36, 20%। सिमिलरली फ्रेंड्स यूनिट्स 12 और 12, बट यहां पर 20 और 10 की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, 20%। यूनिट्स के केस में 10% का ऑप्शन हटा दिया। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो दो अमेंडमेंट करी, पहली अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि 12 महीने का पीरियड सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए अप्लाई होगा, और दूसरी अमेंडमेंट करी कि 10% वाला जो टैक्स का प्रोविजन था वो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई होगा, यूनिट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। देयर आर स्मॉल अमेंडमेंट्स दे हैव मेड अंडर द हेड ऑफ वी कैन से कैपिटल गेन्स। इसमें कोई भी डाउट और क्वेरी तो पूछो फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पे और डिस्कशन करते हैं। व्हाइट बोर्ड प्लीज। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, अनलिस्टेड शेयर्स हंड्रेड शेयर्स एट द रेट ₹120 पर शेयर purchased on 4th of May 2013.
अनलिस्टेड शेयर्स परचेज किए 100 शेयर्स 120 रुपए के हिसाब से, सेल कैसे सेल करी 8th ऑफ जून 13 70 शेयर्स एट द रेट रुपीज 160 पर शेयर, 9th ऑफ ऑगस्ट 13 सॉरी 14 30 शेयर्स एट द रेट रुपीज 200 पर शेयर। उसने 100 शेयर्स खरीदे 120 रुपए के हिसाब से, बाद में 70 शेयर्स अलग बेचे, 30 शेयर्स अलग बेचे। अब इस पे फ्रेंड्स कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेंगे। कैपिटल गेन्स कंप्यूट करोगे तो 70 शेयर्स के लिए अलग और 30 शेयर्स के लिए अलग। पीरियड ऑफ होल्डिंग 4th ऑफ मई 13 टिल 8th ऑफ जून 14 एंड 4th ऑफ मई 13 टिल 9th ऑफ ऑगस्ट 14। अब आप मुझे बताओ फ्रेंड्स ये 70 शेयर्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये 70 शेयर्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, व्हाट डू यू से? बिल्कुल फ्रेंड्स दिस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि कितना है ग्रेटर देन 12 मंथ्स। व्हाट अबाउट दिस वन? सेकंड विल बी परफेक्ट आंसर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि ये कितना है लेस देन 36 मंथ्स। देखा फ्रेंड्स बाद में बेचे हैं शेयर्स फिर भी शॉर्ट टर्म हो गए, क्यों? क्योंकि 10 जुलाई के बाद से एक नया प्रोविजन आया और उसने क्या कहा कि अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो उनको लॉन्ग टर्म तभी मानेंगे जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी मोर देन 36। तो यहां 12 मंथ्स का प्रोविजन लगेगा बट यहां कितना लगेगा 36 मंथ्स। सेम शेयर्स थे पहले बेचे तो लॉन्ग टर्म और बाद में बेचे तो शॉर्ट टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 160 मल्टीप्लाई बाय 70 एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1024 डिवाइडेड बाय 939 दिस विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 120। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट 20% नॉर्मल टैक्स रेट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एनी डाउट और क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो फ्रेंड आपको ये तारीख याद करनी पड़ेगी 11 जुलाई 2014। अगर 11 जुलाई 2014 या उसके बाद अगर इनको ट्रांसफर किया है तो नया प्रोविजन लगेगा, और 11 जुलाई 2014 से पहले ट्रांसफर कर दिया तो पुराने प्रोविजन लगेगा। चल सकते हैं जी आगे। चलते हैं जी अगली क्लरिकल अमेंडमेंट। लैपटॉप प्लीज। इज द क्लरिकल अमेंडमेंट, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके थे इन द लास्ट क्लास। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर 14-15 इज 1024। इसका रट्टा लगा लेना फ्रेंड्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर 14-15। आओ फ्रेंड्स पुराना प्रोविजन निकालते हैं जरा और उसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन्स। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स, अब जो प्रोविजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस वॉज द प्रोविजन वी डिस्कस इन द क्लास। फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन को भी करेंगे यहां पर जो दिया हुआ है, उसके बाद अमेंडमेंट पे चलेंगे। एडवांस मनी रिसीव्ड सेक्शन 51। इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बाय द असेसी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
और फेयर मार्केट वैल्यू इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने किसी असेट के लिए एडवांस मनी रिसीव की थी और उसे फॉरफिट कर लिया तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या मार्केट वैल्यू में से लेस कर देंगे और बची हुई कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था एडवांस मनी रिटेन शेल बी डिडक्टेड इवन इफ रिटेन्ड बिफोर 1481। अगर एडवांस मनी आपने फोरफिट की थी 1481 से पहले तो भी उसे लेस करना, बट इन दैट केस शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी डन ओनली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एडवांस मनी फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले लेस करेंगे और बची हुई कॉस्ट का इंडेक्सेशन होगा। एडवांस मनी रिटेन्ड, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखना, एडवांस मनी रिटेन्ड इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी अ कैपिटल रिसीट एंड सच एक्सेस शेल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी निल। देन मैंने एक असेट एक्वायर किया 2 लाख का, आज उसकी करंट मार्केट वैल्यू हो गई 1 करोड़, मुझे किसी से 5 लाख रुपए एडवांस मनी मिली और मैंने फोरफिट कर ली, फ्रेंड्स वो 5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होंगे मगर कितने, 2 लाख। बचे हुए 3 लाख रुपए क्या है, कैपिटल नेचर की रिसीट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इन एनी केस इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसे हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में से लेस नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हमने यहां पर ये क्वेश्चंस किए थे, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट क्या है। आप मुझे जवाब देते जाना, इसको साथ साथ में लिखते भी चलते हैं, आपके पास अवेलेबल भी होगा मेरे ख्याल से। दिस इज द क्वेश्चन फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है आपको 8th of May 1997 अमाउंट रुपीज 2 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दी हुई है डेट 5th of June 2004 अमाउंट रुपीज 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, एडवांस मनी फॉरफिटेड डेट इतना, अमाउंट इतना। नाउ व्हाट शेल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर, ये 40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर देंगे और बची हुई कॉस्ट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख, मेरे ख्याल से ये याद आ रहा होगा। व्हाट अबाउट सेकंड केस फ्रेंड्स, सेकंड केस में ये कितना हो जाएगा, निल, और ये कितना, 1 लाख। व्हाट अबाउट दिस बैलेंस 20 फ्रेंड्स, एडवांस मनी फोरफिट करी 2,20,000, कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, ये 2,20,000 इसमें से कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, निल आ जाएगा। क्या बैलेंस 20,000 इसमें से लेस होगा, नो, क्योंकि प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ, प्रोविजन में लिखा कि इसे कम करना सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में से हम कम नहीं कर सकते, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अभी भी कितनी, 1 लाख रुपए। ये जो बैलेंस 20 रह जाएगा इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स। ये एक सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कैपिटल नेचर की रिसीट है और कैपिटल नेचर की रिसीट तब तक इनकम नहीं मानते जब तक एक्ट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स ये 20,000 रुपए का इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ इन दिस केस ये 40,000 रुपए लेस करेंगे किसमें से, 3,30,000 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 2,90,000, और ये कितना, निल। ये निल किस लिए, क्योंकि 1481 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। आगे देखो ये क्या होगा, निल। किसमें से कम किया, 180 और 2 लाख विच एवरेज आया, और ये 1 लाख रुपए एज इट इज। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं और फिर देखेंगे नया प्रोविजन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था मिस्टर चाचा परचेज ज्वेलरी फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर ₹2 लाख ऑन 15th of November 12th, he forfeited advance money of ₹30,000 from Mr. Chaudhary on 14th of January 13. Later on, he forfeited advance money of ₹40,000 from Mr. Gopu. On 28th of November 13, he sold the jewelry to Mr. Sabu for ₹6 lakh. Compute taxable capital gains for Mr. Chacha. Whiteboard, please. Friends, यहाँ पे हमने क्या discuss किया था? Capital gains किस साल आएंगे? Previous year 2013-14. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से स्टार्ट होगी, जब से ज्वेलरी परचेज की थी 15th ऑफ नवंबर 12 टिल
28th ऑफ नवंबर 13। फ्रेंड्स ये ग्रेटर देन 12 मंथ्स है मगर लेस देन 36 मंथ्स है, जल्दी बताओ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? 12 महीने से ज्यादा मगर 36 महीने से कम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? बिल्कुल परफेक्ट आंसर, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 6 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए में एक्वायर की थी? 2 लाख रुपए में। इसमें से एडवांस मनी फोरफिटेड लेस करेंगे, कितनी बार एडवांस मनी फोरफिट करी? 2 बार, 30,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,30,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना? 4,70,000। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। अगला क्वेश्चन यही है कि लॉन्ग टर्म है तो क्या होगा? फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म होगा तो इस 130 का क्या कर देंगे? इंडेक्सेशन। अगर ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मेरे ख्याल से ये प्रोविजन यहां तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। एनी डाउट और क्वेरी अप टिल दिस प्रोविजन? ये जो हमने डिस्कस करा हुआ था ऑलरेडी क्लासेस में। अब देखो लोगों ने गड़बड़ क्या करी, इसको क्लियर कर रहा हूं फ्रेंड्स। यहां पर मान लो मेरे पास एक लैंड थी, परचेज 4th of June 84, 2 लाख। करंट मार्केट वैल्यू 10 करोड़। इज दैट पॉसिबल? आज की तारीख ले लेते हैं, टुडे इज 20th of November 14। आज के दिन मार्केट वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? इट्स क्वाइट पॉसिबल 10 करोड़ रुपए हो। आज अगर मैं किसी से एडवांस मनी रिसीव करूंगा कितनी दे देगा? जनरली फ्रेंड्स एडवांस मनी का कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है एडवांस मनी कितनी होगी, पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो एडवांस मनी इज जनरली 10% जनरली। बाकी आपके और सेलर और परचेजर के बीच की कहानी है। एडवांस मनी 90% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए एडवांस मनी रिसीव करी, 1 करोड़ रुपए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? टर्मिनेट, एंड एडवांस मनी फोरफिटेड। फ्रेंड्स बेसिकली ये तरीका निकाला गया ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। मेरे पास एक जमीन थी 2 लाख रुपए की, मेरे पास ब्लैक मनी तो बहुत सारी थी, मैंने कहा यार किसी भी तरीके से व्हाइट करूं, कैसे करूं, टैक्स भी ना लगे, कैश पड़ा था थोक में, दीवारें भरी पड़ी थी घर के अंदर, समझ में नहीं आ रहा था उसको व्हाइट कैसे करूं। मैं एक ऐसे आदमी के पास गया, सैलरीड पर्सन फॉर एग्जांपल, उसके पास व्हाइट मनी बहुत सारी होती है। मैंने कहा यार आपस में कुछ करते हैं, देख तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तुझे मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक देना पड़ेगा। तू मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक देगा ना, मैं तेरे को बदले में 1,05,00,000 रुपए कैश दे दूंगा। अब वो सामने वाला मान ही जाएगा 1 करोड़ के बदले 1,05,00,000, बैठे बैठाए 5 लाख का फायदा हो रहा है। फ्रेंड जिनके पास प्योर व्हाइट मनी होती है उनको डर भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया होता है, डिपार्टमेंट जल्दी से उनकी चेकिंग नहीं करता। अब इस बंदे ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने उससे 1 करोड़ का चेक लिया और उसे 1,05,00,000 रुपए कैश दे दिया। मैंने कहा तू जा तेरे घर, तेरा 5 लाख का फायदा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले एग्रीमेंट बनाऊंगा सेल का, फिर उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करूंगा और 1 करोड़ रुपए क्या कहूंगा? फोरफिट। फोरफिट करने का मतलब इनकम टैक्स में क्या होगा? इनकम टैक्स में लिखा कि एडवांस मनी फोरफिटेड को सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, और बैलेंस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना, और एक्सेस क्या है? नॉट टैक्सेबल। फ्रेंड्स अब इसमें दो बातें ध्यान से देखना, पहली बात तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी, दूसरा यहां पर एक्सेस कितना? 98 लाख। 98 लाख तो टैक्स फ्री हो गया। अगर इसमें मैं जेन्युइन तरीके से टैक्स देता तो फ्रेंड्स 30% टैक्स देना पड़ता। अगर 98 लाख का 30% निकालता हूं तो अप्रोक्सीमेट 29 लाख। गवर्नमेंट को 29 लाख देने की बजाय मैंने सामने वाले को 5 लाख रुपए दिए, काम खत्म। तो मैंने अपनी ब्लैक मनी को क्या कर लिया? व्हाइट कर लिया। दूसरा फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हुई,
बट इसका इम्पैक्ट कब आएगा? क्या इसी साल आ जाएगा जिस साल मैंने एडवांस मनी फोरफीट करी, या उस साल आएगा जिस साल अल्टीमेटली लैंड बेचूंगा? व्हाट डू यू से? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर बुक्स में या रिकॉर्ड्स में जीरो हो भी गई तो फ्रेंड्स उसके कारण कैपिटल गेन तो ज्यादा आएंगे ना। जब भी लैंड बेचूंगा तो मेरे कैपिटल गेन्स ज्यादा आएंगे, बट वो उस साल ज्यादा आएंगे ना जिस साल लैंड बेचूंगा। अगर मेरी लैंड बेचने की इंटेंशन ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मर्जी कर दो, क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मे बी रॉन्ग, ये आप ही के साथ शेयर किया था फ्रेंड्स, टैक्स अवॉइडेंस की एक स्कीम निकाली गई थी। जनरली हम एडवाइस नहीं करते, बट एक क्लाइंट को एडवाइस दी थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर जितना मुझे अमाउंट याद आ रहा है 180 करोड़ की गड़बड़ कर गए थे। 180 करोड़ फ्रेंड्स सीधा सीधा, और उसी गड़बड़ को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट करके कवर अप किया है। क्या किया है? कवर्ड अप किया है। फ्रेंड्स कोई भी असेसी सिर्फ अमाउंट से बड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स सिर्फ अमाउंट, आज के दिन बैंक्स वगैरह से ह्यूज लोन्स मिल जाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लाइंट सिर्फ अमाउंट से बड़ा हो जाए, दैट्स द थिंग। तो फ्रेंड्स इश्यू समझ में आया क्या है? आज एसएससी को 1 करोड़ रुपए मिले, उसमें से 98 लाख तो टोटली टैक्स फ्री, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हुई, तो ये 2 लाख का भी टैक्स तब जाके लगेगा जब अल्टीमेटली वो लैंड बेचेगा। अगर लैंड बेचनी नहीं तो जो मर्जी कर लो, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्टली बैठे बैठा है 1 करोड़ रुपए टोटली टैक्स फ्री। तो फ्रेंड्स जो चीज हम करेंगे तो लोगों को पता तो चलेगी, तो लोग भी फॉलो करेंगे। हुआ यही, जो हमने ये निकाला टैक्स अवॉइडेंस, फ्रेंड्स ये टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स प्लानिंग नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। धीरे धीरे मार्केट में आउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और लोग ज्यादा फॉलो करेंगे तो डिपार्टमेंट की नजर में आ ही जाएगा, और डिपार्टमेंट की नजर में आएगा फिर तो फ्रेंड्स अमेंडमेंट करनी ही पड़ेगी। ध्यान से देखना इन्होंने अमेंडमेंट क्या करी। कहते सारा लफड़ा खत्म करो, सिर्फ एक लाइन लेफ्ट प्लीज। हां जी फ्रेंड्स देखो, अमेंडमेंट, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1st of April 14। फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है बैक डेट से प्रोविजन नहीं बनाते, क्योंकि बैक डेट से बनाओगे तो सारे लोग ही मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा अगर एडवांस मनी फॉरफिट करी है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडरहेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ द ईयर इन विच सच मनी इज फॉरफिटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट मे बी। अगर एडवांस मनी फोरफीट करी है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम माना जाएगा। अब वो एडवांस मनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं होगी। और किस साल की इनकम मानेंगे? जिस साल फोरफीट कर लिया। तो फ्रेंड्स एज पर न्यू प्रोविजन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी भी 2 लाख रहेगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना काउंट हो जाएगा? 1 करोड़। सिंपल सी अमेंडमेंट। अब फ्रेंड्स लोगों के साथ क्या हुआ वो सुनो। नया बजट आया कब? 10 जुलाई 2014। फ्रेंड्स डबल टैक्स नहीं है, सुंदर विहार सेंटर देयर इज नो डबल टैक्स एट ऑल। उसको 1 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो टैक्स तो लगना चाहिए ना। डबल टैक्स नहीं है किसी भी प्रकार से। किस अमाउंट पे डबल टैक्स लग रहा है? किसी भी अमाउंट पे डबल टैक्स नहीं लग रहा, जो मेरी जेब में पैसा आया उस पर टैक्स लग रहा है, सिंपल। अगर सुंदर विहार सेंटर अभी भी आपके साथ से डबल टैक्स है तो बताना। फ्रेंड्स डबल टैक्स नहीं है, इनका कहना है कि कल को इस लैंड को बेच दिया 10 करोड़ रुपए में, तो फ्रेंड्स कैपिटल गेन्स कितने आएंगे? 10 करोड़ माइनस 2 लाख सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 करोड़। फ्रेंड्स डबल टैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी जेब में रुपए भी तो 11 करोड़ है। व्हाइट बोर्ड दिखाओ पहले, व्हाइट बोर्ड प्लीज। फ्रेंड्स मेरी जेब में कितने रुपए? अगर 10 करोड़ में लैंड बेची तो मेरी जेब में 11 करोड़ रुपए हैं, और 11 करोड़ है तो 11 करोड़ पे टैक्स तो लगेगा ना, तो डबल टैक्स नहीं है फ्रेंड्स 1 करोड़ पे, ध्यान रखना। फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रहेगी, इसमें से एडवांस मनी को अब लेस नहीं करना।
1 अप्रैल 2014 या उसके बाद अगर एडवांस मनी फोरफिट करी है तो वो यहां से लेस नहीं होगी, बल्कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे। डबल टैक्स नहीं है। मेरी जेब में अगर 11 करोड़ है तो 11 करोड़ पे क्या लग रहा है? टैक्स। कोलकाता सेंटर का कहना है कि ये तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फ्रेंड्स, आपको ब्रेक से पहले ही बताया था, कुछ प्रोविजंस इसलिए नहीं होते कि टैक्स बढ़ाना है, कुछ प्रोविजंस इसलिए होते हैं कि लोग ऐसा काम ना करें। अब कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, जेन्युइन केस है तो फॉरफिट हो जाएगा, जानबूझ के ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान। इसका एनालिसिस देखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बताता हूं मजेदार बात क्या होगी। पहले एनालिसिस लिखो और फिर हमने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। देखो, कोई भी प्रोविजन आएगा तो कोई ना कोई तो मरेगा। एनालिसिस, एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और बिफोर 31st of March 2014, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, एक्सेस इफ एनी नो ट्रीटमेंट। एक्सेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1st of April 2014, इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल सा प्रोविजन, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गए यहां पर। अब देखो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आई। फ्रेंड्स, ये जो नया बजट आया था, ये आया था 10 जुलाई 2014 को। ऑल दो उस दिन ये फाइनेंस एक्ट नहीं बना, बट लोगों को पता तो चल गया ना गवर्नमेंट क्या सोच रही है। अब ये प्रोविजन अफेक्टिव किया कब से? 1st अप्रैल 2014 से। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस तारीख के बीच में ये वाला काम किया हुआ था जो मैंने आपको भी बताया, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। कुछ एसएससी ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया हुआ था, इस तारीख से इस तारीख के बीच में सेम काम कर रखा था, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। वो बेचारे हो फ्रेंड्स, सारी प्लानिंग उनकी क्या हो गई? फेल हो गई। फ्रेंड्स, बैक डेट में पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग, बैक डेट में आप एग्रीमेंट तो बना लोगे बट पेमेंट कैसे दिखाओगे बैक डेट में चेक से? तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट्स द प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई कि इस तारीख के बीच में अगर ऐसा कोई काम किया था तो उन्होंने सोचा था टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट अब 30% क्या लग जाएगा? टैक्स। गवर्नमेंट को बोला गया कि इस तारीख को बढ़ा के 10 जुलाई कर दो। गवर्नमेंट को बोला गया कि इस तारीख को बढ़ा के 10 जुलाई गवर्नमेंट ने कहा सॉरी, यहां नहीं बढ़ाएंगे। शेयर्स के केस में जेन्युइन था बट यहां तो गलत काम कर रहे थे, तारीख किस बात की बढ़ाए? फ्रेंड्स, ऐसा एक एसएससी हमारे पास भी आया, कहते जी अब क्या करें। मैंने कहा करना क्या है, पैसे वापस दे दो। एडवांस मनी को फोरफिट करना है या नहीं करना वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, गवर्नमेंट थोड़ी कह रही है फोरफिट करना ही पड़ेगा। एज ए काइंड गेस्चर आप कह सकते हो भाई साहब हमारे रिलेशंस मैटर करते हैं, गुडविल मैटर करती है, अच्छा आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, ये एडवांस मनी वापस ले लो और तुम अपना कैश वापस ले लो। तो कम से कम 30% टैक्स तो नहीं लगा ना, पुराने सिचुएशन पे वापस आ जाओ। कहता अच्छा ये तो दिमाग में नहीं आया, पैसे वापस दे दो उसको चेक से और कैश वापस ले लो, प्रॉब्लम कहां है? काम खत्म। तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही था फ्रेंड्स, लोगों के दिमाग में नहीं आता। तो इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या कहा, अब अगर एडवांस मनी फोरफिट करोगे तो उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं करेंगे बल्कि उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मानेंगे। आओ फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं, लैपटॉप प्लीज। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन, मिस्टर एच हैज एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 1st of April 2001 ₹4.22 lakh एंड डिसाइडेड टू सेल द सेम ऑन 3rd of May 2004 टू मिसिस पी एंड एन एडवांस ऑफ ₹70,000 वॉज टेकन फ्रॉम हर। नॉर्मल लोग समझ जाएंगे अच्छा ठीक है। द बैलेंस मनी वॉज नॉट पेड बाय मिसिस पी एंड हेंस मिस्टर एच हैज फॉरफिटेड द एंटायर एडवांस। उसको 70,000 रुपए एडवांस मिले और मिस्टर एच ने फोरफिट कर लिए।
In April 14, he once again entered into a negotiations for sale of the said property to Mr. Y. Dubara se dealings kari Mr. Y ke saath and received rupees 2 lakh as advance, but the transfer did not materialize and hence the advance money was forfeited. 2 lakh rupees bhi forfeit kar liye, khatarnak aadmi hai batao. On 3rd of March 15, he finally sold this house to Mr. S for rupees 95 lakh. In the meantime, on 4th of Feb 15, he had purchased a residential house in Faridabad for rupees 28 lakh and made full payment for the same. However, Mr. S does not possess any legal title till 31st March 15, as such transfer was not registered with the registration authority. उन्होंने बाद में फरीदाबाद में 28 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, जिसकी पूरी पेमेंट तो कर दी, मगर उनके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. Mr. H had purchased another old house in Madurai on 14th of October 14 from Mr. X, an Indian resident, by paying rupees 25 lakh, and the purchase was registered with the appropriate authority. Determine the taxable capital gain arising from the above transaction in the hands of Mr. H for assessment year 15-16. Our friends, ek ek saal ka treatment karenge yahan par aur dekhenge kis provision ka kya impact aa raha hai. सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने एडवांस मनी फोरफिट की थी 3rd of May 2004. व्हाइट बोर्ड प्लीज. प्रीवियस ईयर 2004-05. मिस्टर एच की बात कर रहे हैं, 3rd of May 2004 एडवांस मनी फोरफिटेड रुपीज 70,000. क्या होगा फ्रेंड्स इसका? नो ट्रीटमेंट. In previous year 4-5, but it will be subtracted from cost of acquisition. ये advance money तो friends cost of acquisition में से ही less होगी. In any case, इसको cost of acquisition में से ही less करेंगे, taxable नहीं करेंगे. चलते हैं प्रीवियस ईयर 14-15. सबसे पहले एडवांस मनी फोरफिट करी अप्रैल 14, हाउ मच? रुपीज 2 लाख. इसको क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. कितना? 2 लाख. और फ्रेंड्स, इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स. ये ध्यान रखना, ये कैपिटल गेन्स नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है. 2 लाख रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं किया जाएगा. आगे चलो, अब हम निकालेंगे कैपिटल गेन्स. पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रेंड्स, 1st of April 2001 टिल कब बेची ये प्रॉपर्टी? 3rd of March 15. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं. फ्रेंड्स, यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन? फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ये मकान कितने रुपए में बेचा? 95 लाख. सब्जेक्ट टू सेक्शन 50C. फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, 50C याद आ रहा होगा, अगर सर्कल रेट से कम में प्रॉपर्टी बेची या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. पर हमारे पास स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते. माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए में प्रॉपर्टी एक्वायर की थी? 22 लाख रुपए में. 22 लाख माइनस 70,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर 14-15 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 01-02.
21,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1024 0102 426 निकाल लो जी कितना आ रहा है 21,30,000 51,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 95,50,45,43,80,000 तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,00,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 43,80,000 क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंप्लीट या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कम है कुछ और भी करना है याद करो कैपिटल गेन्स का चैप्टर इस क्वेश्चन की बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ो और मुझे बताओ यहां पर और क्या बाकी बिल्कुल परफेक्ट लखनऊ सेंटर द परफेक्ट आंसर सेक्शन 54 मैंने घर बेच के घर परचेज कर लिया अगर घर बेचकर अगर घर परचेज करता हूं तो नए घर के कारण ये वाले कैपिटल गेन्स क्या हो जाएंगे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे नया घर कब तक परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है विद इन लास्ट वन ईयर और विद इन नेक्स्ट टू ईयर्स अगर परचेज कर रहा हूं अगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं विद इन नेक्स्ट थ्री ईयर्स अगर यहां पर देखूं तो मैंने दो घर परचेज किए हाउस वन की इंफॉर्मेशन दी हुई है कहां पर फरीदाबाद कब परचेज किया 4th of Feb 2015 पुराना घर बेचने से पहले कितने रुपए का 28,00,000 का बट इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ दूसरा घर खरीदा मदुरई हाउस ट्री मदुरई वो परचेज किया 14th of October 2014 ये भी पुराना घर बेचने से पहले फ्रेंड्स दोनों घर पहले परचेज किए हैं 25,00,000 और इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले सवाल आता है बेसिकली यहां पे दो सवाल हैं एक एक करके डिस्कस करते पहला सवाल क्या हाउस वन के कारण एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं सेक्शन 54 की फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या घर का रजिस्ट्रेशन हो जाना मैंडेटरी है फ्रेंड्स अगर रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट छोड़ दो तो बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल है मैंने नया वो पुराना घर बेचने के विद इन लास्ट वन ईयर एक घर परचेज कर लिया लॉन्ग टर्म है बाकी सारी कंडीशंस देखूं तो फुलफिल है सिर्फ एक ही इश्यू है कि इस घर का रजिस्ट्रेशन अभी भी मिस्टर एच के नाम से नहीं हुआ क्या इस रजिस्ट्रेशन के अलावा ऐसी कोई कंडीशन आपको लगती है जिसके कारण एग्जेम्पशन नहीं मिले फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट छोड़ दूं तो सेक्शन 54 की सारी कंडीशंस फुलफिल है उस हिसाब से 28,00,000 रुपए की यहां पे एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक केस गया क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फ्रेंड्स इफ यू रिमेंबर शायद एक बार रेफरेंस भी आया था सेक्शन 53 कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर मैं आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देता हूं और आपसे पैसे ले लेता हूं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मान के चलता है कि आप ओनर हो मैं ओनर नहीं हूं और फ्रेंड्स उस सेक्शन का रेफरेंस बहुत जगह इनकम टैक्स एक्ट में भी आता है सेम चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करा कहते हैं रजिस्ट्रेशन इज नॉट द ओनली कॉन्क्लूसिव फैक्टर डिटरमाइनिंग द ओनरशिप अगर असेसी को ओनर पोजेशन मिल चुका है पेमेंट कर चुका है एग्रीमेंट साइन हो चुका है रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ इनकम टैक्स एक्ट के लिए मैटर नहीं करता तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि ये घर एलिजिबल है फॉर एग्जेम्पशन नो डाउट रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल फीचर है इनकम टैक्स एक्ट के तहत हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं करेगा तो कोर्ट ने कहा कि फरीदाबाद के घर के कारण आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो क्या मदुरई वाला घर भी एलिजिबल है यस बिल्कुल एलिजिबल है यह भी विद इन लास्ट वन ईयर परचेज करा है तो फ्रेंड्स देखा जाए तो दोनों घर एलिजिबल है नाउ द क्वेश्चन इज क्या एक घर बेच के दो घर खरीद सकता हूं दोनों घर के कारण क्या एग्जेम्पशन मिलेगी नो फ्रेंड्स पहले भी प्रोविजन अपने आप में क्लियर था बट कुछ डिबेट्स आए
उसको बजट 2014 से अमेंडमेंट करके और क्लेरिफाई कर दिया। सेक्शन 54 में पहले वर्ड्स लिखे हुए थे और रेजिडेंशियल हाउस, अब इन्होंने लिख दिया वन रेजिडेंशियल हाउस। फ्रेंड्स, अ का मतलब क्या होता है? एक ही तो होता है, बट लोग लोग है, कोर्ट कोर्ट है। कुछ कोर्ट्स ने कह दिया कि ए इंक्लूड्स प्लूरल ऑल्सो। उस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए बजट 2014 से अमेंडमेंट करी और इस वर्ड की जगह क्या लिख दिया? वन लिख दिया। तो फ्रेंड्स, दोनों में से एक घर की एग्जेम्पशन मिलेगी, और कौन से घर की लूंगा मैं? ऑब्वियसली बात है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा। तो यहां से एग्जेम्प्ट हो जाएगा 28 लाख, बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा कितना? 15,80,000। ये पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स? एनी डाउट और क्वेरी देन डू आस्क मी। फ्रेंड्स, एक ही घर की एग्जेम्पशन मिलेगी, पहले भी प्रोविजन क्लियर था, बट डिबेट्स आए तो इन्होंने 100% क्लियर कर दिया और वर्ड क्या लिख दिया? अब एक ही जगह है, वन। फ्रेंड्स, वन का मतलब क्या? फरीदाबाद और मदुरई हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस, दीज आर टू हाउसेस, बट मैंने अगर एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट्स खरीदे, इतने फ्लैट्स थे, मैंने ये दोनों फ्लैट खरीद लिए, दोनों को जोड़ के एक कर दिया, या मेरे पास दो प्लॉट ऑफ लैंड थे और दोनों पे मिला के एक सिंगल घर बनाया, इज दैट वन और टू? फ्रेंड्स, कोर्ट का अभी भी जवाब है और बिल्कुल सही है, दिस विल बी ट्रीटेड एज वन ओनली। आपकी इंटेंशन के हिसाब से चलेंगे, ना कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से। रोहतक सेंटर, एक की भी एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अपनी क्वेरी को क्लियर करो। फ्रेंड्स, एक लिखा है, अब एक में से कौन सा वो उसकी चॉइस? तो ऑब्वियसली बात है, एग्जेम्पशन इसकी लेगा ना, वो तो 28 लाख की एग्जेम्पशन लेगा, तभी तो टैक्स कम से कम आएगा। बट पहले लोग दोनों घर की एग्जेम्पशन ले लिया करते थे, और कुछ कोर्ट्स ने कहा था कि दो घर की भी एग्जेम्पशन ले सकते हो। दोनों घर का टोटल करता हूं तो 53, तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता था। इन्होंने एक ही जगह क्या लिख दिया? वन। बट वन का मतलब अगेन असेसी की इंटेंशन पे डिपेंड करेगा। अगर वो दो फ्लैट्स को मिला के सिंगल फ्लैट मान रहा है, तो दोनों फ्लैट की कॉस्ट की डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वन अगर एडजॉइनिंग प्लॉट्स हैं या एडजॉइनिंग फ्लैट्स हैं, यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ टू हाउसेज इवन, बट अगर उनमें डिस्टेंस है तो फिर दो घर में से एक घर की एग्जेम्पशन मिलेगी। चॉइस असेसी की है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, एनी डाउट और क्वेरी टिल दिस पॉइंट? देखो अमेंडमेंट देख लेते हैं वो वाली। फ्रेंड्स, नहीं मिलनी चाहिए, मैंने आपकी बात मानी, बट वर्ड्स लिखे हुए थे पहले ए, और इस ए वर्ड को लोग गलत इंटरप्रेट किया करते थे, कहते हुए तो ग्रामर है, काम खत्म, ये सिंगल प्लूरल की बात नहीं कर रहा। इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, ए की जगह क्या लिखा? वन लिखा। देखो लैपटॉप प्लीज। फ्रेंड्स, अगर अलग अलग बिल्डिंग में दो फ्लैट है तो उनको दो अलग अलग फ्लैट माना जाएगा, एक की एग्जेम्पशन मिलेगी, दो की नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 to 54GB। फ्रेंड्स, सबसे पहले अमेंडमेंट करी 54 and 54F में। 54 में था घर के बदले घर, 54F में क्या था? किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट के बदले घर। तो दोनों जगह वर्ड यूज किया हुआ था ए। एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस। देखो आगे क्या लिखा, अर्लियर इट वॉज अ डिबेटेबल मैटर वेदर एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय परचेजिंग मल्टीपल हाउसेस। पहले ये डिबेटेबल मैटर था कि मल्टीपल हाउसेस की एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको उन्होंने क्लेरिफाई करके वर्ड क्या लिख दिया? वन। और फ्रेंड्स, एक अमेंडमेंट करते करते ना चुपके से दूसरी अमेंडमेंट भी कर दी। पहले सिर्फ लिखा हुआ था इतना, अब इन्होंने ये लिखते हुए इसके आगे वर्ड लगा दिया इन इंडिया। पहले इन इंडिया वर्ड नहीं था, तो लोगों ने क्या करा, इंडिया का एक मकान बेचा और उस पैसे से अमेरिका में मकान खरीद लिया, और कहते जी आपने कहा था रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, कहां खरीदना है ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, तो जो अमेरिका में मकान खरीदा उसकी एग्जेम्पशन दे दो।
गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत काम हो गया, हमारे इंडियन पैसे बाहर चले गए। तो इन्होंने छुपके से अमेंडमेंट करी, ए को वन करा और आगे वर्ड क्या लगा दिया, इंडिया। तो जो नया मकान खरीदोगे अगर वो इंडिया में खरीदा है तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देखो क्या किया, एग्जेम्पशन शेल बी अवेलेबल फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। अर्लियर इट वॉज ए डिबेटेबल मैटर वेदर एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय परचेजिंग मल्टीपल हाउसेस एंड फर्दर एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल और नॉट फॉर परचेजिंग हाउस आउटसाइड इंडिया। तो फ्रेंड्स दो अमेंडमेंट आई छोटी छोटी, एक तो ए की जगह वन लिखा, दैट इज क्लैरिफिक्ट्री, और दूसरा इन्होंने आगे वर्ड्स लगा दिए इन इंडिया। इसका मतलब नया मकान इंडिया में खरीदा तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देखो कितनी चालाकी से अमेंडमेंट करते हैं, आपको दिखाता हूं। आम आदमी तो पकड़ ही नहीं पाता क्या क्या चेंज कर गए। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोलकाता सेंटर आम आदमी पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही। जैसे जैसे लास्ट डेट पास आती जा रही है सर्वर स्लो होता जा रहा है। फ्रेंड्स इस बार आपको पता होगा कंपनी जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह होती है उनके लिए ड्यू डेट बढ़ा दी थी 30 सितंबर से बढ़ा के 30 नवंबर, तो लास्ट डेट पास आती जा रही है। फाइनेंस एक्ट फ्रेंड्स खुल रहे हैं। फ्रेंड्स यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी तो इतने पूछ सकते हो आप, तब तक मैं रेलेवेंट सेक्शन खोलता हूं। एनी डाउट और क्वेरी टिल दिस पॉइंट? तो दो अमेंडमेंट आई, एक तो ए की जगह वन और दूसरा क्या लिख दिया इन्होंने, इन इंडिया। तो नया घर इंडिया में होना चाहिए तभी एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और एक ही घर के लिए मिलेगा, घर असेसी की इंटेंशन पर डिपेंड करेगा ना कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। दिस इज क्वाइट स्लो आज के दिन, सर्वर चल रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जयपुर सोडाला सेंटर का पूछना है, अगर एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट्स हैं अलग अलग फ्लोर्स पे, क्या उनको एक माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा? फ्रेंड्स ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार से यूज कर रहा है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट्स। फ्रेंड्स घर के अंदर भी तो दो फ्लोर होते हैं बट उसको सिंगल माना जाता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल अगर एक बिल्डिंग में दो फ्लोर्स पे दो फ्लैट्स हैं तो उनको सिंगल माना जा सकता है। ऐसा अभी हमारे पास कोई केस लॉ नहीं है बट मेरे हिसाब से सिंगल यूनिट माना जाना चाहिए और उसके बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल जानी चाहिए। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा, जूम कर देता हूं आपके लिए। In section 54 of the Income Tax Act in subsection 1, for the words constructed a residential house, the words constructed one residential house in India shall be substituted with effect from 1st day of April 50. 1 April 2015 से क्या कहा, a residential house की जगह क्या लिखो, one residential house in India. So that was a small amendment they have made, but उसकी implications बहुत बड़ी हैं। चलते हैं friends वापस amendments पे। सेक्शन 45(5) ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। कुछ याद है फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा प्रोविजंस कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में क्या प्रोविजंस? याद करो 45(5) आपके सामने लिखे भी हुए हैं, पहले पांचों पॉइंट एज इट इज सेम। फ्रेंड्स अफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 15 का मतलब होता है असेसमेंट ईयर 15-16, दैट मेक्स इट अफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 14 इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डेट्स। लखनऊ 1 अप्रैल 2015 इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज में इसका मतलब है असेसमेंट ईयर 15-16। फ्रेंड्स कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में क्या था, जिस साल एक्विजिशन हुआ है उस साल कैपिटल गेन्स टैक्सेबल नहीं होंगे, बल्कि कैपिटल गेन्स किस साल टैक्सेबल होंगे, जिस साल एक्चुअली कंपनसेशन मिलेगा। देखो क्या लिखा था, एक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर,
दैट इज इंडेक्सेशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी डन टिल दिस डेट ओनली. कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल कंपनसेशन. कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द सेसी. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द होल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वेदर रिसीव्ड और नॉट इन फुल. कंपनसेशन एनहेंस्ड बाय द कोर्ट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल रिसीव. पॉइंट नंबर फाइव देखो, इंटरेस्ट इफ एनी, ये भी हमने डिस्कस किया था. फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहां आई? इंटरिम कंपनसेशन. इंटरिम कंपनसेशन किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल मेरी बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया और गवर्नमेंट ने कहा आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे और वो 20 लाख रुपए मिल गए और उस पर टैक्स लग भी गया. बट मैंने कहा जी कंपनसेशन 20 लाख नहीं होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए और मैं कोर्ट के पास चला गया. मैंने कहा जी इस 20 लाख को बढ़ा के 50 लाख करो. कोर्ट ने कहा जी सारी हियरिंग्स करते हैं फिर बताते. फ्रेंड्स हियरिंग्स में आपको पता है 2 साल 5 साल 10 साल कितना टाइम भी लग सकता है. आज अगर दिल्ली मेट्रो कंपल्सरी एक्विजिशन करती है उसके लिए 30 लाख रुपए मैटर नहीं करते. बट मुझे अगर आज वो 30 लाख रुपए नहीं मिलते और वो 30 लाख रुपए मुझे अगर 10 साल बाद मिलते हैं चाहे विद इंटरेस्ट भी हो सकता है इस 30 लाख के चक्कर में मेरी लाइफ सफर करे. मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए आज मिले, क्या मैं नया मकान परचेज कर पाऊंगा? नॉट एट ऑल. वो पैसा मिलेगा मगर 10 साल बाद जब हियरिंग्स कंप्लीट होंगी. तो फ्रेंड्स कुछ केसेस में कोर्ट क्या देखती है कि अगर आम आदमी को डिले होने से परेशानी हो सकती है तो डिले मत करो. वो एक इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम का मतलब क्या होता है? टाइमिंग, टेम्पररी ऑर्डर. वो डीएमआरसी को बोल सकती है कि आप एक काम करो इस 30 लाख में से 14 लाख रुपए एसएससी को दे दो, फिर हम हियरिंग्स करते रहेंगे. अगर हियरिंग्स में एसएससी जीत गया तो 16 लाख रुपए और दे देना, अगर एसएससी हार गया तो उससे 14 लाख रुपए वापस ले लेना. कहने का मतलब इंटरिम ऑर्डर आया और एसएससी को दिल्ली मेट्रो से 14 लाख रुपए और मिल गए. क्या ये 14 लाख रुपए का मैं मालिक हूं? फ्रेंड्स 100% टर्म्स में देखें तो मैं मालिक नहीं हूं, क्योंकि अगर कल को मैं केस हार गया तो वो 14 लाख रुपए गवर्नमेंट को वापस देने पड़े, दिल्ली मेट्रो को वापस देने पड़े. सवाल ये आया कि इंटरिम ऑर्डर के कारण अगर मुझे 14 लाख रुपए मिलते हैं तो उसे किस साल की इनकम मानी? जिस साल पैसा मिला या अल्टीमेटली जिस साल ऑर्डर फाइनल होगा उस साल? क्योंकि कल को अगर 14 लाख रुपए वापस देने पड़ गए तो जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स दिया वो भी वापस लेना पड़ेगा, अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा. देखो इन्होंने क्या लिखा, कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड बाय सच कोर्ट. कहते हैं अगर इंटरिम ऑर्डर के कारण कंपनसेशन मिला है तो वो उस साल की इनकम नहीं मानेंगे जिस साल मिला है, वो उस साल की इनकम मानेंगे जिस साल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा कि ये 14 लाख रुपए आपके ही हैं. अगर वापस देने पड़ गए तो वैसे ही काम खत्म, और अगर फाइनल ऑर्डर ये आया कि पैसे मेरे तो उस साल 14 लाख रुपए को इनकम में काउंट करूंगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स इसमें आम आदमी को एक रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि अगर पैसे की श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा आपका है या नहीं तो गवर्नमेंट ने कहा जब तक श्योरिटी नहीं होती तब तक टैक्स मत देना. और फ्रेंड्स एक छोटी सी अमेंडमेंट और उसके बाद आज की क्लास ओवर करें. फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे मुझे नहीं लगता कि आईपीसीसी लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप इस अमेंडमेंट को रेयरेस्ट में मार्क कर सकते हो, बट अगेन दैट्स माई इंट्यूशन ओनली. फ्रेंड्स सेक्शन 47 इफ यू रिमेंबर किस चीज का, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. क्या मतलब था? ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. याद करो गिफ्ट, विल, कुछ याद आ रहा होगा? आपके सामने चैप्टर ही खोल लेते हैं वो वाला. दिस वन, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर सेक्शन 47. फ्रेंड्स दोबारा हाई कोर्ट कैसे जाओगे? एक बार हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में केस हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, जीत गए तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी. तो फाइनल ऑर्डर तो तभी माना जाएगा ना जब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे. फाइनल मीन्स जब हर चीज फाइनल हो जाए, दैट्स अ सिंपल थिंग. फ्रेंड्स यहां पर हमने पढ़ा था फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, दैट इज इन फॉलोइंग केसेस कैपिटल गेन शैल नॉट बी कंप्यूटेड.
पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट विल, इनहेरिटेंस, होल्डिंग टू सब्सिडरी, अमालगमेशन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स यहां पे टोटल हमने 12 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक नया पॉइंट आ गया, कौन सा, जिसका मैंने नंबरिंग कर दी, पॉइंट नंबर 13, प्रोविजन नंबर है 47 क्लॉज 70। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसको बोला कि हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और इसका पर्पस क्या था, नॉन रेजिडेंट्स को मोटिवेशन देना कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल को उन सिक्योरिटीज को बेचते हैं तो उनको मोटिवेशन दिया कि हम आपसे कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं लेंगे। देखो क्या लिखा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 47 क्लॉज 7B हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड दैट एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी है तो उसको बेचने के कारण अगर कभी भी कैपिटल गेन्स आएंगे तो उस पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसे इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर नहीं माना। कैरिंग ए पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी, बॉन्ड्स वगैरह, जिन पे पीरियोडिकली क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। मेड आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर कैसे किया हो, इंडिया के बाहर, थ्रू एन इंटरमीडियरी डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने अगर अपनी सिक्योरिटीज आपको डायरेक्टली बेच दी तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांसफर किया, कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू, बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, और वो भी नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचा हो, व्हाइट बोर्ड प्लीज, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग कैपिटल गेन्स। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तीन कंडीशन फुलफिल करनी है, व्हाइट बोर्ड प्लीज, तीन कंडीशन फुलफिल करनी है, कौन सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जिसपे पीरियडिकल इंटरेस्ट मिलता हो, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांसफर किया हो, और एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर किया हो, तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कहने का मतलब जिस नॉन रेजिडेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करी उसको इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इवन अदर सोर्सेज भी अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 47 कह रहा है इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। जब ट्रांसफर ही नहीं माना तो ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट से ही बाहर हो गया, तो दिस विल बी टोटली टैक्स फ्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडियन टैक्स लॉ। अगर उस कंट्री में कोई टैक्स लगता है तो वो देना पड़ेगा, दैट्स द डिफरेंट थिंग। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर प्रोविजन में कोई भी डाउट और क्वेरी तो पूछो। यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास एंड द टुडे क्लास, एनी डाउट और क्वेरी? अदरवाइज फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स की एक अमेंडमेंट बाकी रही है छोटी सी। फ्रेंड्स इंटरमीडियरी इज अ काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरी इज अ काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो सेटलमेंट में लगा हो, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है वहीं का स्टॉक एक्सचेंज होगा तो नॉन रेजिडेंट ही होगा। फ्रेंड्स एक छोटी सी अमेंडमेंट रही है कैपिटल गेन्स में, उसे कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, फिर चैप्टर 6 से में छोटी सी अमेंडमेंट है जिसको मैंने यहां पे समराइज कर दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद छोटी छोटी अमेंडमेंट्स, अदर अमेंडमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो होपफुली इवन आई एम श्योर कि हमारी नेक्स्ट क्लास में ये अमेंडमेंट्स कवर्ड अप हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास हमारी कब है। नेक्स्ट क्लास इज ऑन 22nd of November, व्हाइट बोर्ड फोकस, 10 AM to 1 PM, लखनऊ सेंटर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जिस साल की इनकम मानेंगे उस साल के स्लैब लगेंगे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एसएससी का बेनिफिट हो जाए। तो फ्रेंड्स अगली क्लास हमारी 22 नवंबर को है 10 से 1, कल हमारी क्लास नहीं है, इट इज ऑन 22nd of November एंड 10 to 1 वी विल कंटिन्यू विद द अमेंडमेंट्स, एंड आई एम श्योर कि हमारी अमेंडमेंट्स उस दिन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे, विल मीट यू ऑन 22nd of November। थैंक यू फ्रेंड्स।